नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने सभी वैद्यों को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैद्यों द्वारा वैद्यों के लिए आयोजित इस संभाषा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मोनिका दीप जी, जितेंद्र कुमार जी, मंगला जी, हारून जी, अशोक तेलवादिया जी, चिराग त्यागी जी, अनुप्रीता सिंडे जी, कंवलजीत कौर जी, विन्यासा जी, रूपाली गुजर जी जुड़ चुकी हैं। आप में से कई लोग आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से भी ज्वाइन करते हैं और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है। तो हमारे साथ वैद्य अरविंद पाठक जी इस संभाषा के मॉडरेटर साहब पधार चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करते हैं और उनको होस्ट बना देते हैं। आप अपनी संभाषा की को प्रारंभ करिए वैद्य जी। नमस्कार सर। जी एक मिनट रुके। नमस्ते प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक। आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं एक बार बताइए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे सर। डॉक्टर मोनिका जी आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक जी। आप ठीक है सर? सक्सेस, हाँ मैं ठीक हूँ। आप मुझे कुछ सक्सेस स्टोरीज नहीं बता रही है बहुत दिन से। आपने कैसे पेशेंट देखे होंगे वो भी बताइए, सुने होंगे वो भी बताइए सर। अभी थोड़ा बताती हूँ। मैं एक्चुअली डिनर कर रही थी, बस मैं 10 मिनट में फ्री होके करती हूँ। ठीक है डॉक्टर विन्यासा जी, आप कुछ केस बताने? जी सर। हाँ कंवलजीत जी आप बताइए, कुछ केस बताने हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर कंचन जी आप बताइए, अगर कुछ केस बताना है तो। डॉक्टर कंचन जी सुन पा रही हैं? हाँ सर। हाँ कोई केस बताइए, आपने कैसे केस देखे? सर अभी तो लीव पे हूँ, पर मैं मेरे फादर के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ बताइए। मैं वेकेशन पे थी ना घर पे, तो मेरे पापा मतलब मैं मुंबई में और वो खामगांव में है, काफी दूर है यहाँ से। तो वो हमेशा मुझे बताते थे कि मेरे पैर पे थोड़ा हल्का स्वेलिंग है, 75 प्लस है सर। वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है। तो वो हमेशा बताते थे मुझे नींद नहीं आ रही और पैरों पे थोड़ी अकड़न और थोड़ा स्वेलिंग रहता है। तो अभी मैं घर पे गई तो 5-6 दिन मैंने उनको रात में हर 1 घंटे में उठते हुए देखा। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये उनका प्रोस्टेट की वजह से होगा शायद, क्योंकि बाकी सब पैरामीटर्स ओके थे उनके। सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए तो सब नॉर्मली आया ऑलमोस्ट। खाली जो विटामिन डेफिशिएंसी जैसे B12, D3 वो थोड़ा सा आया। फिर मैंने उनको USG करा लिया सर। तो 40 ग्राम का उनका प्रोस्टेट आया जी। तो मैंने मतलब वो बता नहीं पा रहे थे कि मुझे नींद फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से आ रही है करके, ऐसे बस वो एक ही बताते थे मुझे नींद नहीं आ रही।
तो मैंने सब देखने के बाद उनको सर पतंजलि का प्रोस्टोग्रीट स्टार्ट करवा दिया था। 5-6 दिन मैंने जैसे दिया तो उनका स्वेलिंग हल्का हल्का कम हुआ पैरों का, और जो फ्रीक्वेंटली उठ रहे थे वो 3-4 घंटे के बाद, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी काफी हद तक कम भी हो गया। 8 दिन में ही मतलब काफी हद तक उनका फ्रीक्वेंसी कम हो गया था। वो जैसे कि 6-7 बार उठ रहे थे तो वो 3 बार उठना स्टार्ट हो गया था उनका 8 दिन में। तो अभी मैंने उनको कंटिन्यू करने लगाया है प्रोस्टोग्रिट। अभी देखते हैं सर उनको कंटिन्यू, में 3 महीना तो उनको बोल के रखी हूँ कि वो कंटिन्यू करें। बाकी विटामिन डी और B12 स्टार्ट करवा दिया, वो भी अभी पतंजलि का आ रहा है, न्यूट्रेला का विटामिन डी और B12। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। मैं बोलिए। हाँ आप बोलिए बोलिए, बीच बीच में कोई लोग अनम्यूट करके आवाज सुना देते हैं। हाँ तो सर अभी मैं देखती हूँ 3 महीने के बाद कैसे कंडीशन है। हाँ सर अभी मैं एक्चुअली मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है, इसलिए मैंने वेकेशन डाल के रखा था। कहाँ पे और एडमिशन करवा रही है आप, कहाँ करा रही है? शायद उसका एडमिशन KM हो जाएगा सर, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छा आए। अभी रिजल्ट वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ उन लोगों वो का। किस में, कौन सा सब्जेक्ट, क्या फील्ड? सर वो 12th में थी ना, नीट दिया उसने। हाँ तो तो आप कहाँ करवाना चाहती हैं, मतलब एमबीबीएस? मार्क्स भी अच्छा है तो शायद KM मिल जाएगा मुंबई का। KM हॉस्पिटल एमबीबीएस का? हाँ हाँ सर। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ तो सर वो उसके लिए वेकेशन डाल के रखा था, पर वो सब प्रोसेस लेट कर रहे हैं तो थोड़ा तो सा क्या ये हो। काउंसलिंग चल रहा है क्या? नहीं अभी उन लोगों ने वो सब स्टे वगैरह लाते हैं नए लोग मार्क्स के लिए, तो फिर उन्होंने पहले आंसर किया और OMR शीट भेज दिया, फिर 1 वीक हाँ के बाद रिजल्ट लगवाने वाले थे। तो अभी कल का रिजल्ट डेट बताया है, अभी पता नहीं वो फिर से 3-4 दिन से पोस्टपोन कर करके उन्होंने काफी हद तक खींच लिया, मतलब पूरा आधा महीना खींच लिया। अभी पता नहीं एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट करते हैं। जी, ठीक। डॉक्टर अनुरीता मैडम, अनुरीता मैडम गुड यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग इवनिंग, एवरीबॉडी। आप अभी कहाँ पर हैं? सर बोलिए। आपने सेंटर पे हैं क्या, नहीं सर, सेंटर से घर आई, बहुत थक गई थी मतलब मैं। बाहर हैं क्या? नहीं नहीं सर, घर पे हूँ मैं। घर पे हैं, और आपका हाँ क्लिनिक खुला है कि बंद है? नहीं सर, आज मैंने छुट्टी लिया है, हेल्थ सेंटर बंद है। असल में दो स्टूडेंट हैं, वो आपके उधर आके देखना चाहते हैं आपका सेंटर, तो आप बिल्कुल सर, उनको कल भेज भेजूं? दीजिएगा। हाँ भेज हाँ दीजिए सर, एनी टाइम, ठीक छोटा है, तो सा ही मैं है आपका सर नंबर देता हूँ, सेंटर। आपको कॉल करके वो आएंगे, तो आप थोड़ा दिखा दीजिए, क्योंकि दूर से है, राजस्थान से है, आयुष दर्पण के ही लोग हैं ये, आपका बिल्कुल देखना सर, तो फिर चाहते हैं। हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों भी दिखा देती हूँ हाँ जी, तो मैं आपका नंबर अभी देता हूँ, ठीक बिल्कुल सर। है? तो जी कंचन मैडम, आप ट्रीटमेंट दे रही है ना, तो अभी बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। सर, जी सर, पक्का। थैंक जी ठीक है। यू। हाँ डॉक्टर मोनिका जी, आप थोड़ा संभालिए, 2 मिनट में इनसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। त्यागी सर कुछ बोलिए, सर आपका हम सुनना चाहते हैं। हाँ मोनिका मैम, आप संभालिए। जी सर, कोई केस किसी को करना है क्या, डिस्कस अभी प्रेजेंट करना है या कोई सक्सेस स्टोरी अगर कोई करना चाहते हैं शेयर तो। हाँ जी सर, प्रणाम नमस्कार सर, गुड मैं इवनिंग जी रूम त्यागी को। सर, कैसे हाँ गुड इवनिंग मैडम, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हैं सर आप? मैं हाँ ठीक जी हूँ सर, बहुत आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। बताइए सर, वही सर बोल रहे थे आपसे सुनना चाहते हैं हम आपकी सक्सेस स्टोरीज। कल प्रेजेंट करूंगा, कल केस एक दो करता हूँ कल, अच्छा सर, ठीक है सर। ना कल पेशेंट से लाइव जी बात कराऊंगा। जी सर, जी सर। हाँ जी ठीक और कोई कुछ है। प्रेजेंट करना चाहता है क्या, रमन सर? जी प्रणाम है। प्रणाम सर, प्रणाम। कुछ आपको भी कुछ डिस्कस करना है, कोई केस, कोई सक्सेस स्टोरी अगर शेयर नहीं करना मैम, मैं तो चाहेंगे। आज अभी नहीं, आज मैं बिजी हूँ, आज शरद पूर्णिमा के लिए वो सारा खीर वगैरह बना के मेडिसिन की प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं सुबह के लिए, वो सेवा में शरद लगा रहे हैं पूर्णिमा हम तो फ्री कल में। थी ना सर या आज? आज है जी, आज है, जी श्वास रोगी के लिए कर रहे हैं सर आप? जी, सुबह बांटेंगे जी फ्री में। नहीं, उसमें खीर के साथ क्या खिलाओगे? खीर में वही कल बोला था योग, आज मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ अच्छा सर, मैंने देखा है। हाँ संभाषा ग्रुप में डाला हुआ है आज मैंने,
और सुबह बांटेंगे, सभी के फोन आ रहे हैं, मैंने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिनको लेना है भाई पहले बता दो, उतने लोगों को उसी हिसाब से तैयार कर लेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ वो अभी चल रही है खीर वगैरह सारा बन के प्रोसेस, बस अभी। तो पहली बार बना रहे हो सर या हर बार बनाते हो पूर्णमासी को? नहीं सर, हर बार ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक। वैसे धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं पेशेंट, 3-4 साल से बना रहा हूँ वैसे तो। रिजल्ट बढ़िया होता है सर? हाँ जी बिल्कुल, छोटी मोटी प्रॉब्लम वाले तो एक बार में ठीक हो जाते हैं, दोबारा आई नहीं कि बढ़िया हो गया जी, ये तो हमारी जान छूट गई। और जिनको बहुत क्रॉनिक है उनको एक मंथ के नेक्स्ट पूर्णिमा पे फिर रिपीट करा देते हैं एक बार। अच्छा, बस साल में बस छोटे मोटे तो निकल ही जाते हैं एक बार में। ग्रुप पे डाला हुआ है सर आपने उसमें? कौन से जी? ग्रुप पे डाला हुआ है आपने क्या देते हैं खीर के साथ? हाँ हाँ वो डाला हुआ है ग्रुप में, आज ही डाला। बता दो सर अगर आप एक बार बता दोगे तो। वो उसमें बरगद की जटा और पीपल की जटा, काकड़ सिंगी है और अर्जुन छाल है। खीर में तीन बनाते हो, खीर के साथ देते हो अनुपान के? नहीं नहीं खीर में डाल के सुबह, अभी खीर पूरी रात रहेगी चांदनी में, सुबह 5:30-6 बजे खिला देंगे सबको डाल के। तो जब तक भूख नहीं लगे तब तक कुछ नहीं खाना, जब भूख लगे तो हल्का सुपाच्य भोजन पूरे दिन में, बस इतना ही है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बधाई हो आपको जी। जी धन्यवाद। तो अभी तो हमारे इधर ज्यादा पंजाब में डेंगू वगैरह का चल रहा है, प्लेटलेट्स वाले आ रहे हैं अभी तो, भी प्लेटलेट्स कम है जी, ये है वो, अभी फोन भी आ रहे हैं लोगों के। बस बुरी बिजी है आज, शरद पूर्णिमा के कारण ही थोड़ा बिजी था वैसे तो। बहुत बढ़िया सर, प्लेटलेट्स एक बार के लिए रिपीट सर, पोस्ट क्या? कर देंगे प्लीज जी, और एक बार रिपीट पोस्ट कर देंगे जो भेजे थे ग्रुप में, और एक बार भेज देंगे। जी जी कर देता हूँ सर। प्लेटलेट्स के लिए फिर क्या आप लोग दे रहे हैं अभी? अभी पेशेंट के हिसाब से ये, बाकी तो ज्यादा देखता हूँ उसमें, वैसे गिलोय गणवटी, गिलोय सत और प्रवाल पिष्टी की और महासुदर्शन और काल मेघ उत्सव का भी अच्छा है इसमें, और अगर जरूरत पड़े तो कोई रसायन और यूज कर लेते हैं, मतलब पेशेंट के हिसाब से कैसी स्थिति में आ रहा है, फीवर कैसा है। सर एक्चुअली मेरे बेटे को हुआ था लास्ट वीक, उसका डेंगू पॉजिटिव था और फिर उसके बाद उसको फीवर 103-104 चल रहा था, उसके प्लेटलेट्स 45,000 आ गए थे, तो ये लास्ट वेनसडे। तो क्या दिया उसके आपने? बाद सर मैंने तो सर उसको सिंपल हाइड्रेशन एक तो उसकी रखी, अनार का जूस और कीवी वगैरह ये सब चीजें दी, गिलोय का रस दिया और पपीते के पत्तों का रस दिया, और साथ में सर मैंने बकरी का दूध दिया 3 दिन तक, एक एक पाव। और जैसे फर्स्ट डे उसके 45,000 थे, नेक्स्ट डे हमने कराए उसके 55,000 थे, थर्ड डे कराए 80,000 थे, फोर्थ डे कराए 1,30,000 थे। डॉक्टर अब ये कौन से डे से आपने शुरू किया? सर हमने शुरू किया सर उसको 11th को पॉजिटिव आया था और मैंने 13th से शुरू कर दिया था सर। 13th से मैंने बकरी का दूध एक पाव सर, उससे बहुत जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स मिला, बहुत जल्दी। जी मैम, ये आपने जो अभी डाइट बताया ना मैम, जो अभी तो यही मैं पेशेंट को रखता हूँ, साथ में नारियल पानी और ऐड है इसमें। नारियल पानी, यस यस, मैं भी मैंने हाँ, भी दिया नारियल पानी, बस ये इस डाइट पे रखता हूँ साथ में मेडिसिन, बस बहुत बढ़िया रिजल्ट। थोड़ा सा एक ये हुआ था कि टीएलसी थोड़ा उसका रेज हो गया था, 18,000 हो गया था, और न्यूट्रोफिल्स भी रेज थे, और साथ में उसका सीआरपी रेज था, तो उसके लिए फिर हमने साथ में एंटीबायोटिक हमें शुरू करने पड़े थे, क्योंकि उसका एसजीओटी एसजीपीटी भी थोड़ा सा 100-100 हो गया था, बिकॉज ऑफ फीवर ओनली वो सूजन। कालमेघ सब नहीं यूज किया आपने यहाँ? कालमेघ का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं सर, नहीं कालमेघ नहीं। इसका बढ़िया रिजल्ट आता है इसमें साथ में। अच्छा अच्छा ओके। अभी रिसेंटली एक 30,000 रह गए थे उनके जी, ये 4 दिन पहले की बात है जी सर। यहाँ पे लोकल पेशेंट थे हमारे, वो सुबह सुबह ही आ गए, अभी मैं तो तैयार भी नहीं हुआ था, घर पे ही पहुंच गए सीधे, पहले 3-4 बार कॉल किया तो चलो जो लंबी कहानी है वो, तो घर पे पहुंच गए जल्दी की, जैसे कि मेरा ब्रदर ना जी वहाँ पे एडमिट है, बठिंडा में हमारे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट थे वो जी। तो अभी मुझे मेडिसिन चाहिए जी, उसके प्लेटलेट 30,000 ही रह गए हैं और मुझे अभी लेके जाना है उनके पास, तो मैंने भी इमरजेंसी को देखते हुए मैं तुरंत गया उनके साथ,
मेडिसिन दी और नेक्स्ट डे वो शाम को स्कूटर पे घूम रहा था उसका भाई। अच्छा 30,000 वाला बहुत बढ़िया काल में आपने, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मतलब देख मुझे तो बताया नहीं आके कुछ भी, हालांकि मैंने बोला था कि मुझे अपडेट देते रहना, लेकिन नेक्स्ट डे वो स्कूटर पे घूमता हुआ दिखा मैंने बाजार में शाम को, मतलब लगभग 36 घंटे बाद मुझे वो दिखा, तो मैं मानता हूँ कि 24 घंटे में उसको बढ़िया रिजल्ट मिल गए सारे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए। हेलो जी सर, जो आपके पेशेंट जो आप डेंगू ट्रीट कर रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं कि मैंने उनको बकरी का दूध और ये सब दिया, तो पेशेंट आपके पास जैसे ऑनसेट ऑफ फीवर जिस दिन बुखार आया, कौन से दिन बुखार आया और कब से आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दिया? सर एक्चुअली पहले ना उसको फीवर जो आ रहा था वो लो ग्रेड था, 100 करके फीवर आ रहा था। 9th अक्टूबर को उसको 103-104 ऐसे करके फीवर हुआ था, और वो फीवर उसको मैं डोलो 650 वगैरह भी देखती उससे भी उसका नहीं उतर रहा था, कम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद एक दिन मैंने, क्योंकि उस दिन उसका हमने उसी दिन टेस्ट कराया था, तो उस दिन उसका डेंगू नहीं कराया हमने, लेकिन उन्होंने सीबीसी किया पहले डॉक्टर ने ना, क्योंकि सब जानकार है सर, पैथोलॉजिस्ट भी सब जानकार है उन्होंने, तो उसमें उसका प्लेटलेट 2.5 लाख था, तो वो बोले कि अगर फीवर की हिस्ट्री 3-4 दिन की और 2.5 लाख वो है प्लेटलेट है तो डेंगू होने का चांस कम है, उनको ऐसा लगा, तो उन्होंने उसको नहीं किया फर्दर, डेंगू सीरोलॉजी नहीं की। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी उसको फीवर था, फिर थर्ड डे मैंने बोला एक बार फिर भी हम डेंगू सीरोलॉजी करा लेते हैं कि कई बार हो सकता है, तो उस टाइम पे जो हमने कराई तो 11th को उसकी डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव आया, NS1 पॉजिटिव आया, प्लस उसके प्लेटलेट 1.5 आए। फिर उसके बाद 13th को उसके 45,000 हो गए। फिर उसके बाद हमने एक्टिवली उसको बकरी का दूध और ये सब देना शुरू कर दिया सर, तो 3 दिन ही दिया मैंने और उससे ही उसके अच्छे इंक्रीज हो गए। इसमें ऐसा होता है डॉक्टर साहब, डेंगू में इसको हमारे आयुर्वेद में दंडक ज्वर कहते हैं जी, तो इसमें फर्स्ट 5 डेज जब बुखार आता है तो पहले 5 दिन हाई ग्रेड टेम्परेचर रहेगा, बोन्स में पेन रहेगा, हड्डियों में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसको, और पहले 5 दिन में धीरे धीरे प्लेटलेट डाउन होती है, जब बुखार उतर जाता है 5 दिन में वायरल फीवर पूरा सबसाइड हो जाता है ये, फिर 6th दिन से प्लेटलेट एकदम फॉल करती है, 6th day, 7th day, 8th day, 6th, 7th, 8th दिन, और आप कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे तो 9 डे से प्लेटलेट अपना बढ़नी शुरू हो जाती है। ये है इसका, इसके तो ये इस तरीके से तो इसका नहीं सर, उसका एक्चुअली क्या हुआ था, उसको उस दिन तक भी फीवर था जब मैंने 11th को कराया ना, उसको उस दिन तक भी फीवर था, 13th को भी फीवर था, उसके बाद उसको फीवर, उसको हाइपोथर्मिया हो गया, उसके बाद 94-95 ऐसे हो गया उसका, तो उसको डॉक्टर साहब साथ में ना डेंगू के साथ साथ में उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी था सर, यही लग रहा है क्योंकि उसके TLC भी रेज आया, CRP भी रेज आया, तो पर उसकी बॉडी वगैरह कुछ नहीं था, हाँ कुछ नहीं था, खाली फीवर था। सर त्यागी सर आपने क्या नाम बोला आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं डेंगू को? दंडक ज्वर। दंडक, हाँ जी, और इसमें जो है चिरायता, कालमेघ, कुटकी, ग्लोए, अश्गन और नीम, इनका कॉम्बिनेशन बना के काढ़ा पिलाइए, साथ में महासुदर्शन काढ़ा भी दे सकते हो आप, कुछ कंपनियां उसको प्रवाही रूप में बनाते हैं, जैसे क्या है अपना सांडू बनाता है इसको, है ना, वो भी दे सकते हैं आप, इसमें इनसे अच्छा रिजल्ट आ जाता है सर। इसमें पशीश और हड़ताल वगैरह इनका भी अच्छा रिजल्ट है, पेशेंट के हिसाब से तो जरूर करना। सर मेरा भी एक केस चल रहा है अभी, उनको आज 7th डे है बट आज फीवर नहीं है, बट मैंने जो है महासुदर्शन बटी, ग्लोए बटी और साथ में आरोवदनी वास से स्टार्ट करी है, क्योंकि थोड़ा अल्ट्रासाउंड भी कराया था तो उनका लीवर साइज थोड़ा बड़ा है, बट फीवर भी उनको हाई ग्रेड था 104 ऐसे, और बहुत ही कड़वा मुंह, सारे पित्त के लक्षण, हाँ लीवर भी थोड़ा लार्ज हो जाता है और कई बार माइल्ड एसाइटिस भी डेवलप हो जाता है। हाँ वो एसाइटिस नहीं थी, और उनका कल तक 1.5 लाख उनकी वो थी प्लेटलेट, आज 90,000 है, और मैंने आज ही रोगवर्धनी ऐड करी है, और साथ में मैंने ये आपका पपीते का पत्ता और मैंने ज्वारे भी बोले थे बट ज्वारे अवेलेबल नहीं हुए उनको। आप कल डॉक्टर एक बार और प्लेटलेट कराना, कल भी कम मिलेंगे। हाँ मैंने कल के लिए भी बोला है, मैं कहा कल और थोड़ी सी हो सकती है कम, और परसों फिर हाँ तो बट वैसे
आज फीवर नहीं है बट क्रोसिन भी सेफ पर पॉइंट में हमने दे रखी है ताकि रात को फीवर ना हो। ये चल हाँ, इस समय बहुत चल रहा है सर डेंगू इस समय। मैम आपने फर्स्ट डे से नहीं दिया क्या ये पपीते? सर मैंने दिया था जैसे ही पता चला मुझे, मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था बट उनका फीवर नहीं उतरा था, हाई ग्रेड रहा। आज से उनको मॉर्निंग से फीवर नहीं आया है, नहीं तो कल रात भी उनको 101 था फीवर और बहुत ही हेडेक की फीलिंग रहती है, मुंह बिल्कुल कड़वा रहता है। मैंने सुबह उनको बोला है कि ये कुंजल सा कर लो। और नहीं, ये सिम्टम तो सारे होते हैं मैम। ये आपने सुदर्शन गणपति कौन सी कंपनी की दिया? माँ सुदर्शन गणपति जो है वो एक्चुअल में मेरे दूर रहते हैं पेशेंट, तो उन्होंने खुद ही मंगाई है। ऊंझा की तो वो है इसकी है, ब्यास की है सॉरी, हाँ माँ सुदर्शन गणपति। झंडू कंपनी की बहुत शानदार रिजल्ट है, मैंने अपने बच्चों को दिया, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। तीन दिन में एकदम ठीक हो गए। ब्यास की मिली थी और गिलोय घनबट्टी उनके पास ऑलरेडी थी तो वो चला दिए साथ में एक एक गोली और ये सुबह और अरुवर्णी भी एक एक टेबलेट में दिला रही हूँ और साथ में ये सीर ये क्वाथ दिला रही हूँ। सॉरी सॉरी। और ये लिक्विड डाइट के रूप में जैसे नारियल पानी कीवी वो सब चल रहा है, आम अनार है लिक्विड डाइट में, कीवी है। काफी बताते हैं सर किसका? बकरी का दूध यहाँ इधर राजस्थान में तो इसकी बड़ा प्रचार सा हो रखा है, बकरी का दूध भी जैसे पपीते के पत्ते काम करते हैं वैसे ही लोग इसका वो बताते हैं कि बकरी का दूध भी तो काफी चलता है। तो हालांकि मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो केवल ये पपीते के पत्ते वो भी केवल एक पत्ता या आधा पत्ता, जो अगर छोटा पत्ता है तो पूरा पत्ता, अगर बड़ा पत्ता है तो आधा ही पत्ता, और ये गेहूं के जुवारे, गिलोय और तुलसी, और अगर थोड़ी ब्लीडिंग होती है तो वासा के पत्ते मेरे पास थे, मतलब वासा का लगा हुआ है तो अगर थोड़ी बहुत अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी तुरंत आराम करता है। एक ये स्वरस आप जो निकाल के देते हो सबसे बेस्ट यही काम करता है, बाकी चीजें तो क्योंकि कंपनियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, स्वरस तो अपन आंखों के सामने निकाल के देते हैं। मॉडर्न डॉक्टर को भी उन्होंने कंसल्ट किया था, मॉडर्न डॉक्टर ने भी आयुर्वेद का ये स्वरस की एक सिरप लिखा और वो टोटली मीठा इतना है, वो पेशेंट भी कह रहा कि इतना शक्कर पी रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने यही बता रहे थे ना पपीते के पत्ते का, वो 50 ml तक दे सकते हो आप रस, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कड़वा बहुत होता है। हाँ जी पूरे दिन में केवल पपीते तो लेते हैं, पपीते के पत्ते का रस ज्यादा काम कर रहा है। सर और कोई केस अगर प्रेजेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई केस प्रेजेंट करना है तो। मैं मेरा एक एक पेशेंट है सीकेडी का, उसके बारे में मुझे बात करनी थी कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ये 3 महीने अब तो होने को आ गए उनका, और मैंने जो है उसे सर्वतोभद्रवटी और सुबह को रक्त पाचक, शाम को मेद पाचक और सारा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बट उसका ना जो सीरम क्रिएटिन एल्बुमिन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। उसको पहले मैंने सबसे पहले महीने टेस्ट कराया था 1000 था, अब उसका फिर 2200 था, आज 3000 समथिंग उसके, अभी फ्रेश रिपोर्ट आई है मेरे पास और वहां मैं मतलब, और बट उसका जो है क्रिएटिन लेवल जो है वो इस समय फ्रेश रिपोर्ट है मेरे पास, आई विल रीड दिस। हाँ सीरम क्रिएटिन लेवल उसका 1.29 है, यूरिक एसिड 7.46 है, बट माइक्रो एल्बुमिन एंड क्रिएटिनिन रेशियो जो है उसका 2967 है, जो कि ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। A3 कैटेगरी में ACR कैटेगरी शोन है, और जो है ग्लूकोज है उसका फास्टिंग 81 है एंड PP 151 है। तो मैं अभी ना यहाँ पर समझ नहीं पा रही कि क्या करूं ऐसा जिससे कि उसका ये चीज सही हो। कोई हो एक्सपीरियंस तो प्लीज शेयर कीजिए। बताइए किसी को है एक्सपीरियंस क्या इस तरह के केस का? संजय सर आप कुछ बता सकते हैं क्या इसमें? अंजना मैम भी हैं हमारे साथ,
अनुरिता मैम आई थिंक नहीं है। अंजना मैम आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या इस तरह के केस का? हेलो। हाँ मैम एक बार रिपीट कराइए थोड़ा। मैम एक बार बता देंगे? हाँ एक बार मैं बताती हूँ। हाँ मैम उसका लास्ट 3 मंथ से आई एम टेकिंग, मेरी मेडिसिन चल रही है, तो उसका अभी समय प्रेजेंट में क्रेटिनिन रेशियो जो है 1.29 है, जो पहले 1.7 पहुंच गया था, तो उससे वो तो नीचे आ गया। यूरिक एसिड 7.46 है, यूरिया उसका उस समय 80 यानी 70 था, अब वो 23 है। यहाँ तो मैं मतलब पॉजिटिव सिग्नल दे रही हूँ, मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं, बट एक चीज में मेरे को नहीं रेस्पॉन्स आ रहा है, माइक्रो एल्बुमिन। उसका माइक्रो एल्बुमिन जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो 1000 के राउंड में था, फिर वो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2889 है, और माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है 2967 है, एसीआर जो है A3 कैटेगरी में है। सर्वतोभद्रवटी और क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो ट्रीटमेंट बताइए। हाँ मैम मैंने सर्वतोभद्रवटी दी थी, गोक्षरादि गुगुल दिया था, और सर ने फिर एल्बुमिन के लिए बोला था फल त्रिकादि क्वाथ, तो वो भी मैंने इसको चलाया, और ये भृंगराज और इसका बिडंका इसका क्वाथ ये भी मैंने दिया। अब इस समय आज मैंने उसको बस्ती के लिए बोला है, सहचरादि तेल बस्ती के लिए, वो पेशेंट मेरे से बहुत दूर रहता है। मेरा जो अनुभव है उसमें मैं स्पेशली ऐसे केसेस में क्या करती हूँ, निगम सर का मैंने लेक्चर सुने थे शुरू में, तो मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है इसमें। थोड़ा सा खीरा भी चून, ककड़ी भी चून, पोक्षुर चून, और इसमें थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर, क्योंकि आपको वो वहाँ पे उस पे काम करना है, फिल्ट्रेशन पे काम करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा शतावरी भी ऐड कर सकते हो, आमल की शतावरी या जरसाय, ठीक है मैम। और इसको आप बनो शीघ्र क्वाथ के साथ दीजिए, वो चल रहा है मैम। और शतावरी सुगंधा ये मेरी हिमालय की टेबलेट के फॉर्म में मैंने वो चल रही है। हाँ तो आप अमल की चला रहे हैं यहाँ पे? हाँ अमल की भी चल रही है। हाँ तो गोक्षुर खीरा बीज का और ककड़ी बीज का चून थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ और थोड़ा सा जैसे हम लोग करते हैं तो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर जगह बताया है, तो थोड़ा श्वेत परपटी और यवक्षार भी पुनर्नवा मंडूर के साथ थोड़ा सा, ठीक है। श्वेत परपटी और यवक्षार तो बहुत अच्छा काम करेगा, पुनर्नवाष्टक क्वाथ आप वरुण शुगर के साथ जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिएगा। नहीं वो चल रहा है, पुनर्नवा भी चल रहा है का, पुनर्नवा मंडूर के रूम में नहीं, पुनर्नवा मेरी प्लेन चल रही है क्योंकि उसको स्वेलिंग थी, बट स्वेलिंग वगैरह सब कुछ खत्म है पीछे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो जो फिल्ट्रेशन वाला हमारा एरिया है ना, उसको आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो मेनली जो काम हो रहा है किडनी के जो बहुत सॉफ्ट टिश्यू पे काम हमें करना है, किडनी के सॉफ्ट टिश्यू पे जो हमें काम करना है, तो वहाँ हमें जो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने अपना एक्शन देखा है, कई पेशेंट मेरे पास इस तरह के आते हैं, तो मैंने जनरली जो सिंपल, क्योंकि सस्ती और सिंपल दवा है, और सर इसको बहुत अच्छे से बताते थे, तो अगर प्रॉपरली आपको वहाँ का अरेंज हो जाए तो इसके पाउडर बनवा के पेशेंट को कहिए, उसको जो है कम से कम वो 1 ग्राम 2 बार ले सकता है, गोक्षुर के साथ मिला के तीनों का एक अलग बना के, और इसको बड़ो शिग्रु क्वाथ के साथ आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल और सेफ ड्रग होती है। मैं तो बल्कि यही करती हूँ किसी में आमल की शतावरी, गोक्षुर और खीरा और ककड़ी इससे मिला देती हूँ, लगभग 3 से 3 या 3.5 ग्राम का मिला के वरुण शीघ्र उपात के साथ इसको पिलाती हूँ। साथ में अगर हो सके तो थोड़ा सा अच्छा मिल जाए तो तृण पंचमूल का भी यहाँ बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा आपको। अगर तृण पंचमूल मैम एक्चुअल में उसको तृण पंचमूल बेसिकली मैंने भी पढ़ा था, तो हाँ। उसमें था कि ये मूत्रल है बेसिकली, बट उसका यूरिन आउटपुट ठीक है, उसको जो अल्ट्रासाउंड कराया हमने, पैरेंकाइमल चेंजेस हैं उसके किडनी में, इफेक्ट आता है, वो लिख देते हैं, लेकिन जो जनरली जो काम आ रहा है ना वो रीनल टिब्यूल्स पे इसका इफेक्ट है, क्योंकि वो रीनल टिब्यूल्स में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो रहा है, रीनल टिब्यूल्स के इन्फॉर्मेशन को स्पेशली भी कर रहा है, तो वरुण शीघ्र तो अपना काम कर ही रहा है, साथ में अगर कुछ मात्रा में तो हम तरह पंचमी, क्योंकि तरह पंचमी हमको बहुत अच्छा से मिलता नहीं। मुझे कंपनी नहीं याद आ रही है, नेफेक्स एचटी करके आती है, नेफेक्स
हाँ नेफ NAPHEX करके है टेबलेट का नाम, नेफेक्स HT करके है, वो साउथ की कंपनी है और उसका उसका जो कॉम्बिनेशन आप अभी गूगल पे देखिएगा, वो मैंने चलाया था ये कोविड वोविड के बाद थोड़ा सा उसकी सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है इसलिए इस समय हम लोग चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा उसका इफेक्ट मिलता है स्पेशली नेफ्रोस में, तो उसको आप देखिएगा, हो सकता है दिल्ली साइड में आपको अवेलेबल भी हो जाए, नेफेक्स NAPHEX NAPHEX ओके नेफेक्स XT भी है साथ में ना, हाँ क्या होता है मैम, प्रणाम काकड़े बीज और खीरा बीज, ककड़ी 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 होती है ना, खीरा और ककड़ी लंबी सी जो होती है ककड़ी पतली, कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, हाँ ये संस्कृत में मैम, इसको मराठी में क्या बोलते हैं तो नहीं पता, अनुरीता मैम बता पाएंगे, ककड़ी होती है मैम थोड़ी लंबी सी लाइट ग्रीन कलर की होती है गर्मियों में ही आती है, कुकुम्बर मैम, कुकुम्बर कुकुम्बर छोटा होता है, ककड़ी थोड़ी और लंबी सी होती है और कुकुम्बर को छील के खाते हैं, ककड़ी को बिना छीले खाते हैं, यहाँ मिलता है अच्छे से अगर आप बीज की बात करते हो ना, यहाँ मिल जाता है, खीरा मैम खीरा भी वही है, हाँ खीरा अलग है ककड़ी अलग है, क्यूम्बर है, हाँ जी हाँ उसकी पिक डाल देंगे आपको, आपको पिक डाल देंगे, अनुरीता मैम आपका आपका सब लोग आपको पूछ रहे हैं, थोड़ा सा CKD के केसेस के लिए बताइए, विन्यासा मैम भी पूछ रहे हैं, अनुरीता मैम का ये माइक कनेक्टेड नहीं है, चलिए तब तक प्रभात जी आप कुछ बोलेंगे, डॉक्टर प्रभात पांडा, हाँ जी आप मैडम गुड इवनिंग बताइए सर, नहीं गुड इवनिंग सर, मैडम अंजना मैडम से पूछना चाहता हूँ, अंजना मैडम नमस्ते, जी नमस्ते सर, जी सर, जी सर, मैडम एक केस में आज देखा कि उसका पोस्ट कोइटल बर्निंग सेंसेशन है वो फीमेल पेशेंट का जी, और वो लास्ट 1 ईयर से उसी पिल्स पे है और उसके बाद ही उसका वो हिस्ट्री, उसका 18 मंथ्स बैक उसका एक डिलीवरी हुआ था और 6 मंथ के बाद वो उसी पिल्स पे है और ऐसा कंप्लेन है, साइकिल रेगुलर है पर उसका बिसरा गंधी था उसका, ये डिलीवरी कितने बच्चे हैं सर, एक ही पारा है, अच्छा 18 मंथ्स पहले एक डिलीवरी था सर, देखिए सबसे बड़ी बात तो वही है कि उसका हेतु यही है कि स्टेरॉइड्स ले रही है लगातार, जहाँ पे वो स्टेरॉइड्स लेगी वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, इम्यूनिटी डाउन के लिए आपको अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कम से कम वो अब स्ट्रेस बंद कर दे, क्योंकि इतने लंबे स्ट्रेस हम लोग पेशेंट को कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं, इमरजेंसी कभी होती है तो 1 मंथ के लिए बहुत होगा तो एक फिर 2-3 के महीने का गैप के साथ अगर होगा तो 1 मंथ, लेकिन हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं कि इस तरह से कि लगातार स्टेरॉइड से लगातार ये पिल्स लेना पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना सर, जी जी मैडम मैं आपको बताया हूं वो बंद करने के लिए अल्टरनेट मेथड यूज करने के लिए, हाँ बहुत मेथड है, IUCD एडवाइस, IUCD की एडवाइस किया जी मैडम, और उसके अलावा थोड़ा सा लोकल उसको एग्जामिन करना पड़ सकता है, समटाइम्स क्या होता है वहाँ पे थोड़ी वेजिनाइटिस या बल्बो वेजिनाइटिस ना, समटाइम्स कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, समटाइम्स थायरॉइडिटिस वगैरह, पर कुछ डिस्टर्बेंस का इश्यू नहीं था मैडम, और ऑल अप कोई किसी भी टाइम पे बर्निंग नहीं है, मतलब उसको उस समय बस पोस्टपार्टम बर्निंग बता रही है जी, पोस्टपार्टम बर्निंग का फिर ये भी 2 बातें होती है, क्योंकि दो चीजें हम आपको बताए, अगर हम मॉडर्न फिजियोलॉजी में जाते हैं तो हम अगर जो पेशेंट जैसे हार्मोन्स ले रहा है ना तो नेगेटिव फीड मैकेनिज्म के कारण क्या होता है, जो नॉर्मल हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाता है, तो जो प्रॉपर एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हमारा जो साइकिल होता है वो हो तो रहा है लेकिन वो सब आर्टिफिशियली अरेंज हो रहा है, जैसे ओवरी में जो ओवरी से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने चाहते हैं वो उसको नहीं मिल रहे हैं, और जो कॉपियस डिस्चार्जेस होने चाहिए जिसको हमारा शास्त्र कहता है शुक्र धातु की उत्पत्ति होनी चाहिए वहाँ पे
वो सब वहाँ पे नहीं हो पा रही। एक नॉर्मल साइकिल को हटा दिया गया है और एक आर्टिफिशियल साइकिल वहाँ बन रहा है ड्यू टू पिल्स के कारण, जो वो पिल्स ले रही है। तो यहाँ पर उसको जो है किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वो धातु छह है ना सर, चाहे वो रस धातु से ही आप मान लेंगे, चाहे आप उत्तरोत्तर भी मानेंगे तो शुक्र धातु का छह हो रहा है, क्योंकि वहां पे हार्मोन्स जो प्रॉपर हार्मोन्स जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं वो उतने प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। तो क्योंकि उसी समय उसको ये फीलिंग हो रही है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि वहाँ कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन की और इसकी जो है वो जो एक म्यूकोसा जिससे कहते हैं कि सर जो हमारी वेजाइनल म्यूकोसा होती है वो कॉपियस डिस्चार्जेस करती है और फुलफिलमेंट होता है इसमें वहाँ पे ड्यूरिंग कोइटस, वो वहाँ पे कहीं कमी है इसीलिए उसको इस तरह की प्रॉब्लम फील हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप पहले पेशेंट से समझा दीजिए और पेशेंट को एकदम मना कर दीजिए और उसके बाद जैसे हम लोग रस धातु, एक तो वो फीडिंग भी करा रही है है ना, तो वन एंड हाफ मंथ फीडिंग भी करा रही है, वहां भी देखिए वहां भी उसको क्या, जनरली आप स्टडी करिए आर्टिकल्स में दिया जाता है कि अगर पेशेंट जो है वो फीडिंग कराता है तो हम लोग ओसीपीज एकदम अवॉइड कराते हैं जी, क्योंकि ओसीपीज के साथ फीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं करा पाते हैं, रिड्यूस हो जाता है लैक्टेशन जी। ठीक है, तो वहाँ रस धातु का क्षय हो रहा है ना, अब जब रस धातु का क्षय हो रहा है तो उत्तरोत्तर धातु का क्षय हो जाएगा ना, और जब उत्तरोत्तर धातु का क्षय होगा तो टिश्यू को प्रॉपरली जो है वो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। गर्भाशय को हम लोग कहते हैं कि शुक्र धातु का स्थान है ना, तो वहाँ जब प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर धातु वहाँ नहीं रहेगी तो ये कंप्लेन सिंपली आएगी। ऐसे केसेस में हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा योनि पूर्ण करा सकते हैं क्षीर वाला तेल से ना, क्षीर वाला तेल से आप वहाँ पे योनि पूर्ण करा दीजिए, उससे पहले थोड़ा सा प्रक्षालन करा दीजिए क्योंकि अभी वो प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती है, तो हम निम्बादी तेल वगैरह का भी कुछ समय के लिए जो है योनि पूर्ण कर सकते हैं, और दशमुख का शाय से या दुखला का शाय से जो है वो योनि को थोड़ा सा प्रक्षालन करवा के और फिर उसको हल्का सा जो है पूर्ण करवा दीजिए और उसको एक पूरी सिटिंग के साथ समझा दीजिए कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, आप ये सब बंद करिए। और जितने रस धातु वर्धक ड्रग जैसे हम लोग बताते हैं कि अखरोट खाइए और उसके अलावा जो है आप मुनक्का वगैरह लीजिए, खजूर लीजिए, दूध में जो है आप अंजीर लीजिए, लावा लीजिए दूध में डाल के, और उसके अलावा जो है रस धातु वर्धक दाढ़ी वगैरह बहुत फायदा करेगा, तो उस तरह के ड्रग्स जो है यहाँ पे ऐड करा दीजिए और उसका आहार विहार पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर उसको एडवाइस दे दीजिए। मैडम योनि पूरण को पेशेंट खुद कर पाएगा या क्लिनिक में करना पड़ेगा? एक दो बार आप ट्रेंड कर दें अपने से पेशेंट कर नहीं पाता योनि पूरण प्रॉपरली, तो अगर पॉसिबल हो तो कोई ट्रेंड स्टाफ आपके पास हो तो उससे करा दीजिए, नहीं तो उसको फिर वीडियो वगैरह देख के समझा दीजिए कि वो कर पाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैडम, वो भी स्टेराइल ऑयल तो यूज करना पड़ेगा? हाँ सर, ऑटो क्लोज होते हैं। मैं सीरीज में कर सकता हूँ? हाँ सीरीज से ही बेस्ट रहता है सर, हम लोग सीरीज से ही करते। कितना एमएल तक करना चाहिए सर? आप 5 ml टू 10 ml तक कर सकते हैं, 5 ml पे योनि पूर्ण आराम से हो जाता है, बाकी अगर थोड़ा बाहर भी आता है तो वो कहते हैं ना कि वो अच्छे से लुब्रिकेशन हो जाता है और उसके बाद ऊपर से हम लोग सैनिटरी पैड लगा देते हैं तो वो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है पेशेंट को ना, तो टिश्यू को मिल जाता है, मतलब 5 से 7 ml तक तो वो योनि पूरण में ही काम आ जाता है, और 2-3 ml अगर थोड़ा सा भी जैसे कहते हैं कि वो बाहर आता भी है तो पूरा वेजाइनल टिश्यू को और वल्वर टिश्यू को थोड़ा सा नरिशमेंट देता है, तो उसके ऊपर से हम लोग फिर सैनिटरी पैड लगवाते हैं और पेशेंट को रिलैक्स करते हैं कि अब आप तो कम से कम एक मूत्र तक या फिर भाई आप मूत्र काल तक आप लेटे रहो जब तक आपको यूरिनेशन ना लगे जी। मैडम कितने दिन तक ये कंटिन्यू? सर आप करिए इसमें आपको 7 days में आराम मिल जाएगा जी। मैडम थैंक यू मैडम। मैडम ओरली कुछ देना है समंत? हाँ सर ओरली आप दे सकते हैं, ओरली में जैसे अगर उसमें वो वाली मेडिकेशन आपने उसको बंद करा दी तो जनरली ऐसे केसेस में हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे शास्त्र एक जगह ये भी कहता है कि माँ जब तक फीडिंग कराती है तब तक उसको सूची का माना जा सकता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उसने प्रताप लंकेश्वर वगैरह भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अमरक रस भी दे सकते हैं, गिलोय सत्व भी दे सकते हैं, और क्योंकि थोड़ा सा उस तरह का हमारे पास पेशेंट है तो हम ऐसे में सिंपल उसको बहुत ज्यादा उष्ण ना रहे तो यहाँ पे धाती रसायन का भी रोल होता है, प्रभार पंचामृत का रोल होता है, दशमुखादि पाठ के साथ दे सकते हैं, देवदार आदि पाठ के साथ दे सकते हैं, चंद्र प्रभावती भी काम करेगी,
और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप देना चाहते हैं उससे पहले तो निशोत वगैरह जो है निशोत का पाउडर या अरागत का शायद को मॉर्निंग के अवर में थोड़ा सा देने से क्या होता है अग्नि पर दीप होती है दीपन पाते में उसकी देने से कहते हैं ना शोत शुद्धि हो जाती है और देन आप ये सब पुड़िया बना के दीजिए तो आराम मिलता है। एक पुड़िया सुदर्शन पे ले सकती है रसूल अरिष्ट के साथ। जी थैंक यू मैडम। नमस्कार। नितिन बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम मैं केस करवाना है अपनी मम्मी का, सर से भी बात करी थी। हेलो तो मैं करूं? हाँ जी हाँ जी। ये मम्मी है मेरी, अब तो क्या हुआ भी 20 दिन पहले कुछ सिग्नल्स का इशू है ऐसा लग रहा है, आवाज आपकी थोड़ी तो ऐसी एक अपने आप में दिक्कत होने लगी कि मुझे भूख लगती है अग्निमान की, इनको ऐसी मुझे लगा तो मैंने इनको हाँ अच्छा एक अब आ रही है। हेलो हाँ जी तो? हाँ जी हाँ जी बेटर है अभी बेटर थैंक यू। तो क्या हो 20 दिन पहले तो मैंने इनको ना आम पाचक वटी 2 बीडी हाथ 2 बीडी दे दी मैंने, तो वो ये लेती रही तो उसके बाद अभी 4-5 दिन से ये कहने लगी मैं शरीर में भी थोड़ा सा वीकनेस महसूस देती है ऐसा इन्होंने बताया, तो मैंने फुल बॉडी टेस्ट करा लिए। हेलो आवाज आ रही है ना सर? आ रही है बिल्कुल आ रही बिल्कुल आ रही है ना। तो मैंने फुल बॉडी टेस्ट करा लिए तो उसमें जो सीरम क्वारंटीन कितना है था बेटा 3.05 और ब्लड यूरिया आया था 81। ये 16 तारीख में जो रिपोर्ट हुई है तो इनको उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट मेरे से चल रहा था, वो इनको क्या प्रॉब्लम थी इनको क्या ब्रेस्ट में जो है ना थोड़ा पस जैसा आ रहा था, हाँ गार्ड जैसी थी, वो पहले भी एक बार मतलब 216 में चली थी तो हरिद्वार में सुनील जोशी सर है तो उनको मैंने ट्रीटमेंट चलाया था उस समय क्योंकि मैं मुझे इतना वो नहीं था क्या करूं, तो उस समय वो जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे बताया था वही ट्रीटमेंट मैंने बारे करा था, तो उसमें मैंने इनको कुछ मेडिसिन दी है तो वो मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। तो क्या दी थी मैंने, वैसे 5 दिन तो इनको शुरू में दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धिनी और चंद प्रभावटी दी, उसके बाद मैंने जो पस आ रही थी तो AKT दी थी और मुझे लगा क्रीमिक भी कुछ हो सकती है तो क्रीमिक उठार रस और चंद प्रभावटी चल ही रही थी, आरोग्य वर्धिनी चल रही थी, उनका वेट ज्यादा है क्योंकि इनका वेट 95 था, तो उस समय मैंने मेदोहर गुग्गुल भी इनको साथ में लगाई थी और अर्जुन की एक टेबलेट आती है उनकी धूत पापेश्वर की वो रक्त पाचक मेदो पाचक, और मैंने इनको वृद्धि थी मतलब ब्रेस्ट में तो वृद्धि वाटिका वटी भी चल रही थी और काचना, और अभी इनको ना बॉडी में दर्द था उस टाइम क्योंकि आम का पचन नहीं हो पा रहा था, तो आम की वजह से मैंने अभी वो किसी ने बताया था कुछ दिनों पहले तो मैंने समीर पन्नक और गिलोय सा तो प्रवाल पिस्ती चल रही थी इनकी, ये इनको ट्रीटमेंट चल रहा था और 16 में जो मैंने इनको कराया था तो 16 डेट में तो इनको 3.27 इनका सीरम क्रिएटिनिन आया था और 81 इनका ब्लड यूरिया, और लेटेस्ट जो मैंने आज कराई है उसमें ब्लड यूरिया इनका 70 आया है और सीरम क्रिएटिनिन आया है इनका 2.7, यानी कि पहले से बेटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने आज अरविंद सर से बात करी थी कि केस टेकिंग कराऊं तो ठीक रहेगा, आप अपने हिसाब से इनसे बात कर सकते हैं। जी नितिन सर ये इनको आपने कितना टाइम पहले ये ब्रेस्ट जो एब्सेस आप बता रहे हैं इसका ट्रीटमेंट कितने टाइम पहले दिया था? ये लगभग मैक्सिमम 10 डेज हुए। अच्छा ओके अभी रिसेंटली है वो भी? हाँ रिसेंटली दिया है और पहले इनको 16 में इनको ट्रीटमेंट चला है सुनील जोशी सर का हरिद्वार जो मन चिकित्सा जो करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने टाइम तक किया था तब?
ढाई साल चला था उस समय। अच्छा, मतलब ढाई साल लगातार हाँ मेडिसिन चेंज करते रहे, प्रॉपर याद नहीं है। अच्छा ओके, उसके बाद अब हुआ है इनको एब्सेस। जी 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 अब हुआ है। अब वैसे जो इनको पस आ रही थी ना ब्रेस्ट से, वो भी इनको लगभग 5 days के अंदर वो खत्म हो गई थी। ओके, तो ये जो पस आ रही थी ये निप्पल के थ्रू आ रही थी या उसी एब्सेस में ही कोई ओपनिंग थी? नहीं नहीं, निप्पल के थ्रू। उसका फर्दर भी कुछ आपने मैमोग्राफी वगैरह कुछ करवाया था क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करवाया, पहले भी था तो उस टाइम भी सर ने ऐसा बोलते थे कि कोई आवश्यकता नहीं, और ये मतलब वो ठीक भी हो गया था, क्योंकि क्या इन्होंने थोड़ा सा भी पेन किलर वगैरह और इनका थोड़ा सा खान पीन में थोड़ी सी ऐसा ही रहता है, दही वगैरह ज्यादा सुबह शाम यूज कर लेती है, तो खाने पीने में की वैसे मुझे लगता है इसका भी ज्यादा फर्क पड़ा होगा। इनको पैरों में दर्द रहता था ना, इन्होंने पेन किलर मेरे से चोरी भी खाई है बता रही है, ऐसा भी हुआ है। पेन किलर का कितने टाइम तक खाई है इन्होंने, कब से खा रहे थे? और कितने टाइम खाई? काफी टाइम खाई। कितने बताओ? खाई तो तैयारी बना दी थी वैसे, मतलब काफी टाइम इनको भी याद नहीं है, लगभग हो सकता है साल भर भी खाई हो बनी है। अच्छा, तो क्या मतलब जॉइंट पेन्स वगैरह रहते हैं उसके लिए खाती है? जी, इनके जो घुटनों में दर्द की वजह से खाती है। ओके, और बल प्रवृत्ति वगैरह कैसी है? जी, मल प्रवृत्ति वगैरह कैसे? वेगावरोध का कोई ऐसा कोई हिस्ट्री है क्या कि इनको रखते देर तक या कभी भी ऐसा कोई? आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही, दोबारा एक बार बताना। हेलो, हाँ जी नितिन जी, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई वेगावरोध का कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि पेशाब को रोक के रखते हैं थोड़े टाइम तक? अच्छा, नहीं। ऐसा नहीं है। पानी का इंटेक कितना है? पानी कितना पीते हो? बात पानी तो मैं बीच बीच में तो खाने के बाद ही पीऊँ पानी, और मेरे चाय ली है तीन या चार बार चाय। अच्छा ठीक है। पानी गर्मियों में तो पीऊँ, सर्दियों में कम पिया जा रहा है। खाने के बाद ठीक है। अभी एक महीने से भूख भी नहीं लग रही थी, अब कैसी सी भी भूखी? अब एक अगर रोटी तीनों टाइम लू, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, बिल्कुल सात्विक खाना, कोई प्याज कोई मसाले नहीं। अनुरिता मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? अंजना मैम, नींद बीच बीच पे उठते रहे, नींद आ रही थी। ये दिन में भी दिवस सोप भी है मैम उनका? हाँ, दिन में भी सोती है इनको नॉर्मल। दिन में जैसे मान लो 2-3 घंटे के बाद थकान। मैम एक मैमोग्राफी करनी चाहिए, मैमोग्राम। मेनोपॉज इनका नॉर्मल था कि कुछ ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ा था? ऑपरेशन हुआ है इस चीज का? हिस्ट हुआ था क्या? बच्चेदानी निकाली गई थी? हाँ जी, निकाली थी। कितने साल हो गए मैम? कितने साल पहले? 22-23 साल हो गए। अच्छा, क्यों निकालना पड़ा था? वो एमसी पीरियड ज्यादा हो गया था उसका, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया होगा ना आपने? क्यों पीरियड ज्यादा? हाँ, क्यों हो रहा था, क्या कुछ आया था उसमें? हाँ, उसमें हल्की सी रसोली थी, कहने लगे फिर बढ़ जाएगी। अच्छा, हल्की सी थी, कोई खास बात नहीं थी, निकलवाने में फायदा है। तब आपकी कितनी उम्र थी जब आपने निकलवाया था? 42 साल की थी, 42-41 साल की। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके पास कितने बच्चे हुए थे? बच्चे कितने हुए आपको? नॉर्मल हुए थे ना? चार बच्चे हुए। अच्छा अच्छा, ये जो आपको बता रहे हैं कि आपको निपल के रास्ते से कुछ पस जैसा आने लगा था, ये आपको कब से आ रहा था? ये 5 साल पहली बात है। अच्छा, 2015 में। अच्छा,
और ऑपरेशन ढाई साल दवाई खाई तो ठीक हो गई थी मैं। हाँ, उम्र क्या है अभी, एज क्या है अभी? अब तो हल्का सा दबा आ गया थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा था कि एज 65 साल की है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली जो सिक्रीशंस ये लोग बता रहे हैं ना, ये जो सिक्रीशंस है वो ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया से है। हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि जो ये मेनोपॉज है वो नॉर्मल मेनोपॉज नहीं है, इसीलिए जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो हार्मोनल डिसबैलेंस शो कर रही है, और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो होता है कि ऐसे में ओवरी तो सेफ करी होगी, एक आध ओवरी जरूर रही होगी, बॉडी में पूरा नहीं निकालते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल जो होता है, क्योंकि मेनोपॉजल तो है, हो ही गई है वैसे भी एज वाइज भी, और वैसे भी क्योंकि हिस्टेरेक्टमी हुई है, तो ये ड्यू टू मेनोपॉजल एज के कारण जो हमारा डिसबैलेंस हुआ है, तो प्रोलैक्टिन लेवल वो है वो इंक्रीज किया हुआ है, और इंक्रीज करने से वो सिक्रेशन शो कर रहा है, और उस उसकी जो दूसरे भी हमें वो करना था वहां पे वो प्रॉपरली नहीं हो पाई है, इसीलिए जो क्रिएटिनिन लेवल और ये जो थोड़ा सा हमारा जो कहते हैं ना सर्किट विभाजन जो है वो कहीं ना कहीं वो इसमें विकृत हुआ है, और जो मूत्र की प्रवृत्ति क्या है, कितनी बार पेशाब करने जाते हो आप दिन में? दिन में तो मैं दो घंटे बाद। अच्छा, और रात में भी उठना पड़ता है क्या? अच्छा, तो कभी शुगर उगर की जांच हुई? शुगर उगर की जांच हुई कभी? 130 फास्टिंग आज पहले तो सुनी आप आई। अच्छा, फास्टिंग 130 आ गई है। अच्छा सर, HbA1c नहीं कराया कभी आपने नितिन जी? 6.1 है मैडम। 6.1, अच्छा, बॉर्डर लाइन पर है। तो थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, अभी स्थिति कुछ ऐसा नहीं है, सब स्थिति एकदम अंडर कंट्रोल है, एकदम ठीक हो जाएंगी। क्रिएटिनिन भी आपने काफी कुछ लेकर आए हैं आप लाइन पे, जैसे अभी पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आया है, थोड़ा सा आप अब इनसे हमारी बात हो चुकी है, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट प्लान। किसी और को पूछना है तो पूछ ले, फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट के सामने डिस्कस नहीं करते, बाद में डिस्कस करते हैं प्लान। मैं उनको भेज दूं? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगी, थोड़ी देर के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो फिर बता देते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। डॉक्टर मीनल, आपको कुछ पूछना क्या? डॉक्टर अनुरीता भी आ गए अभी, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं मैम, आप तो वही मैंने पूछा तो ये कि व्यायाम वगैरह कुछ करती है कि नहीं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है इनकी? नहीं है मैडम, नहीं फिजिकल एक्टिविटी। आपका जब ऑपरेशन हुआ था तो कितना वेट था उस समय, याद है आपको? और अभी कितना वेट हो गया आपका? हाँ याद है। कितना था उस टाइम? तो 55-60 के बीच में था। अभी कितना है? 90. अब 95 था, अब 89 है। अब 89 है आज। सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? सुबह एक बार तो मैं 6 बजे उठ जाऊं, फिर उसके बाद बस बैठ जाऊं या लेट जाऊं। अच्छा, पेट साफ होता है सही से? हाँ पेट साफ है, अब नील हो रहा था, जैसे खाना नहीं खाया जा रहा था ना, तो पर जाती हूँ एक बार पेट साफ। कुछ दवाई ले रही है उसके लिए क्या? नहीं दवाई नहीं, तो ट्रीटमेंट मैंने बताया वही चल रहा है, इसके अलावा कोई एक सिंगल टेबलेट नहीं लेती। अच्छा सर, और भूख अपने से अच्छे से लगती है आपको? नहीं, खाने का मन करता है आपका? अब नहीं लग रही 15-20 दिन, अब नहीं कर रहा था। अब एक रोटी सुबह, एक दोपहर, एक शाम, वो भी अब हुई है मैडम, वो भी एक पाचक पट्टी। अब मैंने 2 TDS शुरू करी है। जी जी, सर वाली। जी जी जी, उससे पहले कुछ उल्टी आ रही थी, वमन इसकी कह रहे, देखते ही उल्टी आती थी, यही बोल रहे।
लीवर पे भी दिक्कत, फैटी लीवर आया होगा ना सर, लीवर में क्या दिक्कत आई है? आवाज कट रही मैम इनकी, हाँ वो नेटवर्क इश्यू है जी। एक्चुअली वही है थोड़ा सा, नितिन सर आवाज कट रही है आपकी, आपका नेटवर्क का शायद कुछ इश्यू है, थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे लीवर के बारे में। जी मैं लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं आता जी। अंजना मैम आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैम मैं यही बता रही थी कि ऐसे केसेस में हमको जो है ना ओवरऑल फिजियोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेनोपॉजल ग्रुप में आ तो चुकी ही है और वो भी एक आर्टिफिशियल मेनोपॉज हुआ है, तो आज से नहीं है जो उनकी संप्राप्ति की स्टार्टिंग है वो उसी समय से हो गई है, और फिर उसके बाद जैसे आहार आप और विहार हम लोग देख ही रहे हैं कि उन्होंने एकदम कुछ भी मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉपर व्यायाम वगैरह नहीं हुआ है, केवल जो है वहाँ मेध धातु की दृष्टि दिखाई दे रही है, और जहाँ मेध धातु की दृष्टि हुई है वहाँ आप देखिए धीरे धीरे प्रमेह की तरफ भी ये जा रही है, और इससे इसके अलावा किडनी पर भी इनका इफेक्ट मिल रहा है, लीवर पे भी इनका इफेक्ट मिल रहा है, और अगर सही बात यही अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह भी हमें पता होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल के बारे में डिस्कस नहीं हो पा रहा है, लिपिड प्रोफाइल क्या कह रहे हैं इसकी? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन मेंशन किए हैं 219 और 3.74। अच्छा एल्ब्यूमिन 219, ग्लोबुलिन 3.74 और लीवर में फैटी लीवर ना? नहीं वो तो पूछा है मैम, मैंने अभी बताया। अच्छा यहाँ तक लग रहा है कि फैटी लीवर आएगा ही आएगा, लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है बहुत। ESR 29, CRP 9.5. ESR 29, CRP 9.5. जी। यहाँ सबसे पहले हमको फिर उसी पर लौट के आना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इनकी दिनचर्या पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इनको हल्का व्यायाम तो करना ही पड़ेगा, चाहे ये धीरे धीरे चलें आराम से चलें, सुबह जब उठ जाती हैं तो इनको इनके साथ में कोई ले या छड़ी लेकर चलें, इनको 10 मतलब कम से कम 100 कदम धीरे धीरे ही चलें, लेकिन इनकी एक हैबिट इनको बनाना ही पड़ेगा, और प्राणायाम इनको थोड़ा धीरे धीरे ही करना ही पड़ेगा, प्राणायाम के बिना काम नहीं चलेगा, ओम का उच्चारण करना ही पड़ेगा, ये तीन चार चीजें इनकी बॉडी की सुबह की दिनचर्या में जैसे मेडिटेशन की तरह हम लोग का जरूर से जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जैसे हम लोग मेदो धातु की दृष्टि पे कार्य करते हैं तो उसमें हमें कई चीजें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे जनरली जो है वो जौ का सत्तू या जौ का दलिया, उसके बाद जौ का पानी, या फिर जैसे मैडम बताती हैं कि उसमें जो है मैं ब्योशादी सत्तू है ना, और अच्छी का बीज, अच्छी का पाउडर, कुछ हमें मेदो धातु पर बहुत अच्छे से वर्क करने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि जो ये दुष्टि हो रही है वो पूरा जो है मेदो के स्रोत जो है पूरी तरह से अवरोध हो चुके हैं, तो वहां पे हमें बहुत ही युक्तिपूर्वक निकलना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में इनको हल्का सा अगर हमने अच्छी वाला पाउडर दे दिया और साथ में आरंभ कषाय दे दिया, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इनको खाने से पहले कुछ उस तरह का दाढ़ी मष्टक चूर्ण दे दिया, और दाढ़ी मष्टक चूर्ण के साथ हमने इसमें एक एक आरोग्य वर्धनी भी लगा दी 2 टाइम खाना खाने से पहले, और खाने के बाद फिर हमने यहाँ पर फैटी लीवर पे भी काम करना है और हमें किडनी पर भी काम करना है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे अगर हम फैटी लीवर के लिए काल में एक चूर्ण है, थोड़ा सा कुटकी चूर्ण भी, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे वही खीरा भी और उसके बाद ककड़ी भी,
और अगर पॉसिबल हो सकता है तो थोड़ा सा यहाँ पे शिला जतवादी का भी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ इसमें बरुशी गुरुपाद का अनुपान दे सकते हैं और फिर देन उसके बाद थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहेंगे हम लोग तो, क्योंकि यहाँ पे हमें इस पे काम करना है एक रसायन की तरह, क्योंकि जा रही है उसमें बहुत ज्यादा जरावस्था पे है, तो चंद्रप्रभा भट्टी का भी यहाँ पे रोल अच्छा रोल मिल जाएगा हम लोग को। और साथ में क्योंकि लीवर पे अगर हम काल में और कुटकी वहाँ पे अगर दोनों मिला देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट ले सकती है और पॉटी भी उसको साफ हो जाएगी। और हल्का सा अगर अग्नि दीपक में हदारी मास्टर हमने ऐड कर ही दिया है तो थोड़ा सा अगर एक बार भी हम कहीं थोड़ा श्वेत पर्पट्टी और यपछार चाहे एक बार मॉर्निंग अवर्स में नाश्ते के बाद भी जोड़ दे तो उसका एक अपना रोल अलग आएगा और किडनी को थोड़ा सा और अच्छे से कहते हैं ना कि प्यूरिफाई करेगा और यूरिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से देगा। तो ये छोटा सा योग करके अभी हम 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए इनको ऐड करें और फिर उसके बाद इनका एक बार लेवल देखें, क्योंकि HbA1c बहुत बॉर्डर लाइन पे जा रहा है तो ये प्रीमियम में जा सकती है, अभी गई नहीं है, इसलिए इनका जो है हमें पूरा आहार पे और इनकी जो है दिनचर्या पे फोकस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इनको जौ और इनको व्योश मतलब वही अदरक वाला सत्तू या फिर जौ का सत्तू, जौ का पानी, जौ का दलिया, इसके अलावा अस्सी और थोड़ा क्रिकटू भी मिल सकता है, दलिया वगैरह में डाला जा सकता है। और उसके अलावा मेदो धातु का कफ पे स्पेशली काम करके हमें लीवर पे, पित्तनाशक करा पे और किडनी पे काम करना है। श्वेत पर्पटी और यक्षार बताया, ये हम अन्य चूर्णों के साथ दे सकते हैं या फिर इसको हमें अलग देना पड़ेगा? मैडम ऐसा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम ना जैसे अगर हम इनको श्वेत पर्पटी यक्षार मॉर्निंग टाइम में दे देंगे तो उससे 2 बातें होती हैं, उससे यूरिनेशन थोड़ा बढ़ता है, अगर हम सबके साथ मिलाएंगे तो हम दो बार दवा दे रहे हैं तो फिर शाम को खाएंगे तो रात में ये डिस्टर्ब रहेंगे, तो इनकी नींद डिस्टर्ब होगी तो बात प्रकोपित होगी। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करती हूँ, नाश्ते के बाद 10 बजे के आसपास मैं श्वेत पर्पटी या अपचार की एक अलग से डोज दे देती हूँ, उससे क्या होता है कि पेशेंट को उसी में गोक्षुर के साथ थोड़ा सा मतलब ककड़ी और खीरा का हम पाउडर मिला सकते हैं बीज का, तो ककड़ी बीज खीरा, तो एक डोज वो अलग से बना के मैं एक ही बार इससे देती हूँ कि पेशेंट को अगर यूरिनेशन हो तो दिन भर वो हो और रात को फिर 8 बजे 9 बजे के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और वो कम से कम अपनी नींद पूरी ले ले, इसलिए उसको हम रात वाली डोज में ऐड नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली श्वेत पर्पटी और यपछार। अभी सर श्वेत पर्पटी और यपछार आप ज्यादा नहीं, यपछार तो 500 mg दिया जा सकता है, श्वेत पर्पटी 250 mg। जी सर। थैंक यू मैम। अनविता मैम आपको कुछ ऐड करना है क्या इसके अंदर? विनोद जैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एक्चुअली मैम मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मुझे ऐड करना मतलब वही थोड़ा सा केस स्टूडेंट आए थे तो हॉस्पिटल में थी ना मैं। ओके 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 मैम। मैडम सुबह इनको ना यवक्षार के साथ साथ मूली क्षार भी अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा सर। जी सर। मूली क्षार की जगह यूरिनरी सिस्टम पे काम करता है, मूली क्षार की जगह एक और चीज कर सकते हैं जी, मूली को कद्दूकस करके उसको उसका रस निकालें और उसको बॉइल करें। बॉइल करने से क्या होगा कि जो सेल्यूलोज है वो फट जाएगा, वो अलग हो जाएगा, तो उसका जो पानी है वो साथ में दें यवक्षार और इसके साथ श्वेत पर्पटी के साथ, तो अच्छा इफेक्ट आएगा किडनीज पे भी और लीवर पे भी। थैंक यू सर। जी सर। ठीक ओके सर। आपको ये कॉम्बिनेशन हम एक जो पेशेंट सीकेडी के लिए स्पेशली जो आ रहे हैं जिसकी सिर्फ किडनी की ही प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है अगर, तो उसको भी दे सकते हैं? हाँ मैम, क्वांटिटी वाइज देखना है पेशेंट की आप अग्नि बल पे और पेशेंट की जो कहते हैं ना प्रकृति पे निर्धारित कर दीजिए। मैंने आपको एक बार और बताया था, आपको याद आ रहा होगा, अजा बस्ती वाला, यहाँ पर भी यूज हो सकता है, अगर वो ले नहीं पाती है तो उसकी बस्ती ये दे सकते हैं है ना, अजा बस्ती का क्वाथ बना के और उसका अगर ये मूत्र मार्ग उसको सॉरी उसकी मात्रा बस्ती के रूप में उसका यूज करेंगे तो पेशेंट को आराम मिले।
मैम इसमें सुबह आपने बताया ककड़ी बीज और खीरा बीज एक एक ग्राम की मात्रा में ठीक रहे? हाँ सर दे सकते हैं, उसमें वो नुकसान क्योंकि इनका वेट तो ज्यादा है ना, 90 केजी का वेट है तो इनको दिया जा सकता है। बॉक्सर की कितनी मात्रा? बॉक्सर आज बॉक्सर भी आप 500 एमजी तो ले लीजिए सर, आधा ग्राम ले लीजिए। ठीक है जी सर। और कोई मेडिसिन जो चलानी जो चल रही है वो चलती रहने दो मैडम। आप सर एक बार रिवाइज करके बता दीजिए दोबारा से आप क्या क्या चला रहे थे, थोड़ा मिस कर दिया जी सर। इनको चला रहे थे एक तो एक की चल रही थी अमृता कुकुल केशव कुकुल त्रिफला जी सर, और मुझे क्रीमी में कुछ लग रहा था इनकी ब्रेस्ट में, तो मैंने क्रीमी उठा रखी इनको एक पॉइंट बीडी दिए, चंद प्रभावती चल रही है, आरोग्य वर्धनी चल रही है जी। तो सब चूरन फॉर्म में चलती है, एक मेघोवर गुप्पुल मैंने इनकी चलाई भी है और सूक्ष्म त्रिफला अर्जुन रस पाचक मेदो पाचक, और इसमें मैंने इनको अभी सर सिग्नल फिर से लूज हो रहे हैं सर आपके। समीर पन्नक बोला बहुत ज्यादा मेडिसिन हो रही है सर, उसको युक्ति पूर्वक आप देख लीजिए। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है सर। समीर पन्नक ऐसा ना, इन्होंने एकेटी चलाई है, कृमि को उठा, चंद्रभावटी आरोग्य वर्धिनी मेदो और कुकुल, सूक्ष्म त्रिफला अर्जुन की टेबलेट और रस पाचक मेदो पाचक चल रही है, और इनकी मैंने काचनार समीर पन्नक गिलोय सब प्रवाल पिछली, और इनको एक माजुन तुरंजान जो उन्होंने बताया था सर किसी व्यक्ति ने, माजुन तुरंजान चल रहा है। दवाएं आपने बहुत अच्छी चलाई है सर इसमें, आप दवाएं बहुत अच्छा क्योंकि आप बहुत तीन गूगल वैसे भी चल रहे हैं इधर, ये दवाएं ज्यादा ना हो जाए तो थोड़ा सा युक्ति पूर्वक आप पेशेंट के एकदम नियरर हैं, पेशेंट के पास हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आम पाचक देना ही है, दीपन पाचन देना ही है इनको, और उसके साथ लगातार दे रहा हूं। हाँ सर तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए, हाँ उसी के हिसाब से आप थोड़ा बना के उसका पूरा ना किस तरह से कहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, सारी दवाएं एक साथ नहीं देना है, आप हो सके तो 10-10 दिन का 3 दिन का 3 बार का बना के देखिए, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। दवाएं आप अच्छी दे रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा दवाई देने से भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो थोड़ा सा जैसे आप दे चुके हैं तो उसमें बीच बीच में थोड़ा सा चेंज करके और उसके हिसाब से युक्ति पूर्वक आप बना लीजिए उसको कैसे देना है। इन सबको मैं ना मिक्स करके ना 3 ग्राम बीडी देता हूँ। हाँ सर ठीक है सर, तो अच्छा है अगर आप ऐसे करके पाउडर बना के देते हैं तो इधर भी आप पाउडर बना के एक भी और लगा दीजिए उसी में साथ में सुबह शाम 3 ग्राम इसको भी दे दीजिए। मैम समीर पन्नक रस अब मुझे लगता है नहीं देना चाहिए क्योंकि वो किडनी भी इन्वॉल्व है ना, किडनी इतना आ रहा है। कौन सा दे रहे हैं? समीर पन्नक रस भी दे रहे हैं ना? हाँ तो, अब जरूरत भी नहीं लग रही उसकी ना, अब उसकी इतने कोई शुरुआत में लगी थी अब नहीं लग रही, वही मैंने सर से कहा ना दवाएं तो अच्छी हैं लेकिन अब बहुत ज्यादा दवाएं भी पेशेंट के लिए फिर मुश्किल हो जाती है तो अब यहाँ। हाँ मैम सर बताते भी हैं कि जो किडनी है वो मेद और रक्त से बनी है तो हमें सुबह रक्त पाचक देना चाहिए और शाम को मेद पाचक देना चाहिए, तो रस पाचक की जगह आप मेद रक्त पाचक दें ज्यादा बेटर रेस्पॉन्ड करेंगे। समीर पन्नक तो आपको नहीं देना चाहिए, विस्कदी रस औषधि वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं जैसे ना, तो नहीं वैसे भी आप दे चुके हैं तो जो जिसके लिए आप देते क्रमिक उठार की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर अब है ना, अब सर क्रमिक उठार वाला काम भी प्रॉपरली हो गया क्योंकि जो आपको लग रहा था वो एब्सेस नहीं था, वो हाइपरप्रोनेक्टेमिया से था, अगर एब्सेस होता तो वहाँ पेन होता या किसी तरह के इन्फ्लेमेशन का साइन सिम्टम मिलते, तो समटाइम्स हमारे ऐसे मेनोपॉजल ग्रुप में भी ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस हमें इस तरह के डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं जिससे ये होता है कि पस आ रहा है, हकीकत में वो पस नहीं होता है, वो ड्यू टू प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने से इस तरह के डिस्चार्जेस हमें नॉर्मली मिल जाते हैं, वो हाइपरप्रोनेक्टेमिया जो है वो केसेस में एक कहना चाहिए ना प्रोलैक्टिन लेवल वो इंक्रीज कर ही जाता है,
तो वहां हमें पित्त को जो है पित्त की अवस्था को सुधार करना है। तो यहाँ जैसे मैडम ने बोला समीर पन्नग और मेरे हिसाब से क्रमिक कुठार, आप यहाँ दो को थीरस जो है थोड़ा सा यहाँ पे उसको आप बंद करा दीजिए, और बाकी जो आप बता रहे हो कि हम पुड़िया बना देते हैं तो उसको उसमें पुड़िया बना दीजिए, बाकी जो कुछ मैंने बताया उसको युक्ति पूर्वक आप वहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है सर? सर अनुरीता मैम ने भी चैट बॉक्स में भी कुछ मेंशन किया, आप वो भी देख सकते हैं। उन्होंने भी लिखा कि समीर पन्नग रस देने की जरूरत नहीं है, उसके साथ उसकी बजाय आप सर्वतोभद्रवटी जो है ना वो देंगे, अगर चंद्रकला श्वेत परपटी उतना ही काफी है, और तारकेश्वर रस किडनी के लिए अच्छा है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। मैम डॉक्टर सोनाली ने पूछा चैट बॉक्स में कि यवक्षार और श्वेत परपटी आप कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों, मतलब इस केस में क्यों दे रहे हैं, क्या इंडिकेशन है? चलो जो मैडम बताइए। हेलो बोलिए। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम। हम कर्नाटक में चूर्ण बस्ती देते हैं मैम। कौन सी बस्ती मैम? चूर्ण बस्ती पटोला कटुरोहिणी और पुनर्वास्तक। पटोला कटुरोहिणी कभी कभी यूरिया जास्ती ज्यादा हो तो वो देते हैं, और पुनर्वास्तक कषाय में चूर्ण मिला के भूनिंबा चूर्ण और क्या हमको दीपन पात्र चूर्ण मिला के चूर्ण बस्ती देते हैं। बहुत अच्छा इट एक्ट लाइक ए डायलिसिस मैम, इट वर्क लाइक वंडर्स। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर करिए मैम, फिर से बताइए हम लोग को क्या प्रोसेस करते हैं, किस तरह से करना है, फिर से बताइए। अब पुनर्वास्तक का क्वाथ बनाना है मैम, इट मे बी 200 ml 250 ml ऐसे क्वाथ बनाना है, इसमें भूनिंबा चूर्ण ऐसे ही मिक्स करना है। अच्छा, कितना अमाउंट मींस आप पेशेंट के हिसाब से, ओके इसे उनका क्रिएटिन लेवल कितना है इसके देखकर और देखना है मैम, बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं होना चाहिए, दो और तीन चूना बस्ती देकर चलादि तैल अनुवासना देना है मिडल में, और अगेन चूना बस्ती देना है, ऐसे करके करके व्यत्यास चिकित्सा करके वो कम होता है मैम। हम लोग भी चंद्र कलर रस देते है मैम। हाँ, चंद्रकला रस मैम। पटोल कटुरोहिणी भी बताया आपने, वो कहाँ पर ऐड करना है मैम? पटोल कटुरोहिणी का शायन बताया आपने, तो एक बार पुनर्वास का एक बार पटोल कटुरोहिणी का इट डिपेंड्स ऑन, यूजुअली वी यूज पुनर्वास का कषाय ओनली, इफ यू वांट लाइक मोर यूरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो पटोल कटुरोहिणी भी ऐड कर सकते है। कषायम प्लस भूनिंबादी चून एंड दीपन चून, वही है मैम, भूनिंबादी चून नहीं दीपन, लाइक इफ यू वांट टू पुट शर्दना चून यू कैन ऐड शर्दना आल्सो, इफ यू वांट टू पुट भूनिंबा यू कैन, यू सी द पेशेंट कंडीशन एंड वी हैव द चूर्ण फॉर दैट, और जस्ट लाइक निरुवस्ती, यस यस यस, बट वी वोंट पुट एनी कलका और नो, लाइक इट इज लाइक चूर्ण बस्ती जस्ट टोल्ड इन चक्रदत्त एंड इवन चक्रदत्त में मिला, आई मीन ही हैज एक्सप्लेन दैट आउट। इट इज, इट विल बी आफ्टर फूड और इट विल बी बिफोर फूड। हेलो हेलो मैम, एम्प्टी स्टमक की होगा, मतलब क्या होगा इसका, आफ्टर फूड विन्यासा। हेलो डॉक्टर विन्यासा, या आर यू एबल टू हियर डॉक्टर विन्यासा? मैं कुछ सिग्नल का इशू लग रहा है। ठीक होगा, खाली पेटी में बस्ती यूजुअली खाली पेटी दी जाती है। हां नहीं, हां 250 ml है तो खाली पेटी चाहिए। अच्छा है ये, एक अच्छा एक अच्छा ऑप्शन है, नया चीज पता चला। हां यस मैम, नितिन सर आप भी ट्राई कर सकते हो इसको एक बार, इनका तो खैर बहुत ज्यादा हाई नहीं है यूरिया क्रिएटिनिन, लेकिन फिर भी यूज कर सकते हैं नितिन सर, क्योंकि ये चक्रदत्त में आया है, ये जो चूर्ण बस्ती की परिकल्पना आई है ना, ये चक्रदत्त में आई है। मैम इसको चूर्ण बस्ती क्यों बोल रहे हैं, इसमें से कि 250 ml तो कषायम है ही, फिर हां तो उन्होंने रीजनल 5 टू 6 मतलब 5 टू 10 ग्राम इतना डालेंगे, लगभग वही डालेंगे, तो 5 टू 10 ग्राम नहीं है मैम, 5 टू 10 ग्राम नहीं है, और 30 ग्राम तक चलेगा, 10 20 30 ग्राम तक
बहुत रूक्ष है इट इज लाइक वाइतरण बस्ते हाउ यू डू इट इज इवैक्यूएटिंग एनिमा इट इज लाइक बहुत कष्ट है लाइक इट इज लाइक इट एक्ट्स लाइक सिमिलर टू डायलिसिस मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मैम इसको खाली पेट ही देते होंगे ना यस यस मैम खाली पेट में ही देना चाहिए मुनिंबा बहुत अच्छा काम करता है मैम मुनिंबा चूना इसमें ऐड किया तो शटडाउन चूना ऐड करता है और मैम इसका क्या कैसे इंडिकेशन रहेगा भूनिंब कब देना और शरधरण कब देना भूनिंबा में सीकेडी का वर्क हुआ है मैम बहुत वर्क हुआ है आप इफ यू गो टू गूगल एंड सर्च यू विल गेट लॉट ऑफ वर्क्स ऑन भूनिंबा नहीं मैम आप बहुत अच्छे से बता रहे हो अभी अगर हम लोग एक बार फिर से हम लोग अष्टांग हृदय सब लोग पढ़ रहे हैं हम लोग अगर एक बार फिर से जाएं कि हम लोग मूत निर्माण विधि जो मूत निर्माण विधि का मतलब ही साफ है उन्होंने बताया है ना कि आहार का ही जो है कित विभाजन और जो है सार विभाजन अगर अच्छे से होता है फिर वही सार भाग जो होता है वो फिर से एक बार दोबारा से जाता है और फिर वो किडनी तक आता है और फिर वो संग होता है तो यहाँ नेचुरल सी बात है कि वो जो भूनिम का पूरा वर्क जो है वो पित्तधारा कला पर भी है और यकृत पर भी है और सार कित विभाजन पर भी है ना तो ये बिल्कुल एकदम 100% आपकी जो औषधि है ना वो आयुर्वेद मानकों के आधार पर एकदम 100% सही है क्योंकि देखो मैंने वहां बोला था कि हम कान में अगर कुटकी को जोड़ेंगे और ये जो आप बता रहे हो ये आप एकदम 100% इसलिए सही है क्योंकि जो डायलिसिस के समय काम करेगा वो इसलिए करेगा क्योंकि वहां पर वो कहीं ना कहीं पित्तधारा कला को और लीवर की मेटाबॉलिज्म को वो एक्टिवेट करेगा जो रिसर्च पेपर भी इसमें आए हैं एकदम सही है और वो अच्छे से मूत्र की उत्पत्ति में नॉर्मली वो मूत्र की उत्पत्ति को इंक्रीज करेगा और जब पेशेंट डायलिसिस के उसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको स्टिमुलेट करेगा कालमेघ का यहाँ बहुत अच्छा रोल बताया है आपने थैंक यू मैम बहुत अच्छा एक विजन क्लियर किया आपने जी मैम नहीं मैम मैम ने बोला ना कि शरधरण चूर्ण भी दे सकते हैं तो उसका क्या वो रहेगा मैम शरधरण चूर्ण दीपन पाचन है ना मैम हाँ दीपन पाचन है तो इसमें मतलब आपने बोला ना कि कोई भी यूज कर सकते हैं मला मला जमा हुआ है ना मैम मल को निकालते हैं इवन कह सकते हैं पित्तधारा कला की जो अग्नि है उसको दीप करना या फिर जो पकवाश है वहाँ पर दीपन पाचन का जो लोकल वर्क करना उसके लिए शायद ये हाँ, हाँ, सही डिपेंड आहार आहार कहते हैं ना कि सार के यूरिन के हाँ यूरिन के जो फॉर्मेशन है वो पकवाश में होता है फॉर्मेशन के भी पकाना सप्त पर्ण मिलता है मैम सप्त पर्ण का चाल भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें अच्छा सप्त पर्ण का चाल में चंद्र प्रभावती गीत कर मींस इफ यू डू वटी फ्रॉम द सप्त पर्ण क्वात चूर्ण क्वात कषाय इट इज दी बेस्ट रिजल्ट मैम वो विषहरा भी काम करता है और सिकेडी में बहुत अच्छा काम है मैम उसमें सप्त पर्ण हम साउथ में बहुत यूज करते हैं सप्तपर्ण क्वाथ में चंद्र प्रभावती कितना मात्रा में मिलाएंगे मैम व्हाट वी डू इज दैट वी यूज द सप्तपर्ण क्वाथ फॉर द बावन ऑफ चंद्र प्रभा मतलब भावना के लिए भावना दी है मैम इसके उसमें सप्तपर्ण की भावना दी है मैम और इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट यू कैन गिव सप्तपर्ण क्वाथ एंड चंद्र प्रभा लाइक इफ यू गिव 4 टैबलेट भी दे सकते हैं मैम अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मिलते हैं इफ सीकेडी इज इंड्यूस्ड बाय द मधुमेह वो तो लाइक सप्तपर्ण और भूनिंबा बहुत अच्छा काम करेगा मैम थैंक यू मैम थैंक यू नहीं अमर ओके मैम थैंक यू सो मच मैम बहुत ही अच्छा ऐड किया आपने मैम नमस्ते मैम मैं कुछ बताना चाहती हूँ बोलिए ना मैम लिवर के लिए लिवर का जो प्रॉब्लम है इसके लिए एक्चुअली अजाबस्ती आपने जैसे किडनी के लिए बताया ना मैम अजा लिवर का पाउडर बना सकते हैं मैडम उसका बहुत 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 एक्सीलेंट रिजल्ट है मैम अच्छा यूज करती हूँ और हर तरह के मीन्स एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो बढ़ा हुआ है या कम हुआ है कुछ भी हो जैसे रिलेटेड टू सीरम बिलरुबिन है या फिर मैम फैटी लिवर है इसमें भी ओनली सिंगल ड्रग मैम
सिंगल सिंगल मैंने लिवर का पाउडर क्या है थोड़ा सा भून के कढ़ाई में भून लो और फिर मैं उसको चूरा करके सुखा लो, सुखा के उसका जस्ट पाउडर बना के 3 grams बीडी के हिसाब से 2 times आफ्टर फूड जो राइस का जो ये होता है ना मैम क्या बोलते हैं हम लोग उसको राइस होता है राइस मैम आप यूज करके देखिए इतना एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका, उसके साथ में एडिशन कुछ भी जरूरत नहीं। मैम लिवर चून किसका यूज किया आपने? अजा का? अजा सीधा सीधा बकरे का लीवर लेके आ जाइए, उसको क्या कीजिए छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा घी लगा के उसको भून लेना मैम, जैसे उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे वो नरम पड़ जाएगा और उसका पानी पूरा निकल जाएगा, तो उसको क्या करना है जस्ट हाथ से क्रश करके उसको धूप में सुखाना है, 2 से 3 दिन में पूरी तरह से वो सूख जाता है, और सूखने के बाद में उसको जस्ट मिक्सी में से घुमा लेना, मिक्सी में घुमा के उसका 3 grams से 5 grams तक जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन है उसके लेवल से उसके हिसाब से या फिर उसका वेट है उसके हिसाब से हम कहिए कि राइस के पानी के साथ ही देना। विनीता मैम आप जो पूछ रहे थे शायद उसका आंसर आपको मिला होगा यहाँ पे। मैम एल्ब्यूमिन ही बोल रहे थे ना, माइक्रो एल्ब्यूमिन मैम एक बार कंफर्म कर दें कि ये पूजा मैम अजा अवस्थी पूजा मैम एक बार क्लियर कर देंगे प्लीज आप अजा पाउडर इंडिकेशन बता दीजिए इसकी, अजा पाउडर की जो आपने अभी बोली है उसकी क्या इंडिकेशन बताइए आपने? ये लीवर की लीवर का मैं बताऊं प्रयोग कैसे होता है? एक बार इनको बता दीजिए, एक बार वो वाला बता दीजिए फिर। हेलो हाँ बताइए सर बताइए। हाँ ये ना पुराने समय से क्या करते थे कि इसको कलेजी को ना बेसिकली उसमें पुट देते थे, वो कैसे देते थे कि ये कलेजी कहते हैं ना लीवर को बेसिकली, और बकरे की लेते हैं जी, और इसको लाके उसको किसी भी इसमें संपुट में दे देते थे, और इसके बीच में ना पिपली रख देते थे पाइपर लॉन्गम। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद उसको जैसे हमने अग्नि संपुट दे दी तो फिर उसको बाहर निकाल के पिपली अलग रख ली और लीवर की जो कलेजी है उसका चूरन कर लिया, और उस चूरन को देते थे खास करके क्वाशियोर कोर में या जिसको हम कहते हैं सोका जी। और जो पिपली है उसको अक्षी रोगों में यूज करते थे एज अंजन भी और खाने के लिए भी देते थे, तो ये मैंने अनुभूत किया हुआ है और बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है इसका आंखों पे भी और लीवर पे तो आता ही आता है, पिपली भी लीवर पे काम करती है। एक बार वो पुराना वाला बोलिए कैसे कैसे भूनना है, तेल में भूनना वो वाला बताइए मैम। सर आई थिंक पूजा मैम सुन नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया अजा का जो है ना उसका लीवर का पाउडर लेना है, उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के पाउडर पहले कैसे हो गया, लीवर को काट के छोटे छोटे पीसों में काट के घी के साथ पीसेस में काट के उसको भूनना है, सूख जाए और फिर सुखाना है, लगाना है धूप भी लगाना है फिर उसको पीसना है। हाँ सुखा लेना है वो थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा हो जाएगा, उसको फिर मिक्सी में पीस लेना है और वो 3 grams की फॉर्म में राइस वाटर के साथ देना है पेशेंट को। तो किस काम आता है, किस काम को अच्छे काम किस फैटी लीवर और एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो ग्लोबुलिन जो भी हाई हो उसमें बताया फैटी लीवर में एक्चुअली जब लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है लीवर में जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो रही है या लीवर के फंक्शन जो अल्टर्ड आ रहे हैं, ऐसे में आप इसका पाउडर फॉर्म में देंगे तो आपको लीवर फंक्शन नॉर्मलाइज करेगा, तो जो हमारा शास्त्र कहता है ना सर्वतो सर्वभावा नाम सामान्य वृद्धि कारण, वहाँ पे हाँ जहाँ पर जो है लीवर के फंक्शन अल्टर्ड होंगे वहाँ हम उसको एज ए औषधि के रूप में देंगे तो हमारे लीवर के फंक्शन नॉर्मलाइज होंगे, मतलब वहाँ का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो प्रॉपर होने लगेगा।
मैडम ये मेटास्टेटिक लिवर डिजीज में भी दिया जा सकता है, दिया तो जा ही सकता है इसमें, और हम युक्ति पूर्वक और ज्यादा औषधियों का सम्मिश्रण कर सकते हैं, जैसे अभी सर ने बताया पिपली, पिपली भी वहां अगर मिला रहे हैं तो पिपली भी योगवाही है और पिपली भी बहुत अच्छा काम करती है। सर ने तो बताया कि पिपली अलग भी कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत होती है तो पिपली का पाउडर भी करके उसमें मिला सकते हैं, और बाकी जैसे आपने कहा तो वहाँ हीरक भस्म दे सकते हैं, अगर उस तरह से अगर हमें लगता है कि मेटास्टेसिस को हमें ठीक करना है तो हमारे पास और जो औषधियां है उसको हम सारा एक साथ ना मिला के, लेकिन औषधि के साथ जब हम उसकी जो मात्रा बना रहे हैं उसमें भी हम उसको मर्दन करके अलग से डोज बना के दे सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और ये पेरिलिशियस एनीमिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ सर, नेचुरल सी बात है। अच्छा ये पता है ये सारी लिवर डिजीज में वर्क करता है या किसी पर्टिकुलर डिजीज में वर्क करता है? सर देखिए, अब जैसे सर ने कहा पर्निशियस एनीमिया, और हमारे पेशेंट में भी अभी भी हमारे नॉर्थ इंडियंस में या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में हम लोग बहुत कॉमनली ये यूज करते हैं कि हमारे जो एनीमिया के पेशेंट आते हैं तो वहाँ पे हमारे मतलब एक बना हुआ है कि अरे कलेजी कलेजी का जो है रस पिलाइए या कलेजी का जो है वो सूप पिलाइए, ये कहा जाता है। और इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि लीवर का जो हम सूप बनाएंगे, लीवर का जो मास्टर्स बना के देंगे तो उसमें लीवर का एक्सट्रैक्ट आएगा, और जब लीवर का एक्सट्रैक्ट आएगा तो जो लीवर के गुड़ होंगे वो हमारे पेशेंट को जब मिलेंगे तो वो लीवर को स्टिमुलेट करेगा, और लीवर के साथ साथ जो उसमें जो भी लीवर की मेटाबॉलिज्म होती है जैसे उसमें विटामिन B12 का भी काम होगा, उसमें पर्निशियस एनीमिया का भी होगा, उसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो भी होगा, तो रस रक्त धातु का जो जो भी पूरा कार्य वहाँ होता है वो सब बढ़ेगा। तो वो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर नहीं है, आप बस केवल अकॉर्डिंगली दे सकते हैं कि अगर पेशेंट को लग रहा है कि यहाँ लीवर में प्रॉब्लम आ रही है या लीवर एल्टर्ड हो रहा है या लीवर को हमें कुछ टॉनिक की तरह देना है तो हम दे सकते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है। डॉक्टर साहब ये तो खैर ठीक समझ में आ रहा है कि धातु से धातु का पोषण करना है, मान लिया लीवर खराब है तो लीवर देते हैं, या रक्त भी धातु कम है तो रक्त धातु को पूरा किया जाए, या कोई और धातु का भी उसका हम संपोषण कर सकते हैं। पर लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि उसका अगर हम जो है चूर्ण गर्म करके बना लें तो क्या उससे उसके अंदर काफी चीजें हट नहीं जाएंगी, जल नहीं जाएंगी? सर 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 मैं बताती हूँ सर, एक्चुअली क्या है डोसेज जो देते हैं हम लोग उसके हिसाब से बराबर से वो बैठता है, आपको यूज करके देखिए सर सच में भी एक हजार समझो। आपकी बात से हम सहमत हैं कि जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, ए बी है या सी है, हेपेटाइटिस में भी वायरल लोड सर इमीडिएटली 1 month का डोज अगर हम लोग देंगे 3 grams का बीडी डोज अगर देंगे सर तो ऑलमोस्ट 100-200-300 लेवल कम हो जाते सर। अच्छा आप 1100 लोड वाला पेशेंट है तो फिर सिर्फ 3 महीने में उसका नॉर्मल आ जाता है, 3 या 3.5 महीने। डॉक्टर साहब आपका कोई एक्सपीरियंस लीवर सिरोसिस के ऊपर भी है? जी सिरोसिस तो मैंने दिया है सर एक्चुअली, लेकिन उसका कैसे है मेरे पास एक पेशेंट था उसको मैंने दिया है सिंगल कप के हिसाब से, उसके साथ में भुई आमला का चूर्ण दिया और ये माँ का हम लोग जो भृंगराज बोलते है ना भृंगराज एक दिया था सर, और डेली विरेचन उसको क्या बोलते हैं इसका एरंड तेल का विरेचन दिया, तो उसका एक्चुअली क्या है कि सिरोसिस का पेशेंट था उसके साथ में सिरोसिस के साथ में मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगी सर, उसके साथ में उसके बिलरुबिन दर्द। आवाज कट गई डॉक्टर साहब। आवाज कट गई सर, वही ना सिग्नल का शायद कुछ इशू है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है इनकी पूरी। हेलो हेलो सर, अभी आ रहे? जी 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 अभी आ रही है। सिरोसिस के पेशेंट में सर 3 महीने में तो रिजल्ट आया, बिलरुबिन लेवल कम हुई है और जो लीवर की साइज थी वो ऑलमोस्ट 16.8 थी, तो 3 महीने के मेडिसिन के बाद में उसका 11.5 आया सर। डॉक्टर साहब एक्चुअल में क्या होता है सिरोसिस के पेशेंट में जो इनिशियल स्टेज होती है ना फर्स्ट टाइम, तो वो हेपेटाइटिस या दूसरी वजह से ना इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, बट जब वो क्लियर कट सिरोसिस कंडीशन में जाता है तो फिर वो रिड्यूस कर जाता है। तो अगर आप कह रही हैं नहीं हम इसको बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने बताया है और उसको हम कई पेशेंट हमारे पास इस तरह के हैं उनके ऊपर हम इसको यूज करके देखें और शेयर करेंगे आपके साथ। जी
हाँ मैंने मैंने सर बनाने की जो विधि बताई है बहुत इजी हाँ, है जस्ट हाँ, भून के उसको जस्ट उठा के और मैंने एक फोटो भी शेयर किया है सर भूनने के बाद में उसको बनाने के बाद में क्रश करने के बाद में उसका और भी पतला पाउडर बना लेके अब स्टोर करके रख सकते हैं सर 6 महीने तक भी उसका काम हो सकता है एक बार में बना के रख लेंगे मैं तो केजीस केजीस में बनाती हूँ सर। थैंक यू मैडम। इसका प्रिजर्वेशन कैसा होता है कितने दिन तक रह जाता है? 6 महीने का उसका स्टोर करने का पीरियड होता है सर 6 महीने के बाद वो काम नहीं करेगा। हेलो मैम ये इसे जो है उसमें दे सकते हैं क्या कहते हैं पेशेंट को सीपीडी के पेशेंट में अक्सर जो होते हैं डायबिटीज के कारण होती है एल्यूमिनेरिया होती है यूरिन में एल्यूमिनियम जाता है तब दे सकते हैं कैसे? नहीं ऐसे तो कभी यूज नहीं किया सर जी मैं जस्ट क्या है कि जो बिलरुबिन बड़े होते हैं हेपेटाइटिस का पाइरल लोड ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट में दिए है सर बहुत सारे पेशेंट और उसका डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास बिफोर आफ्टर के फोटोज भी है कुछ कुछ नहीं अक्सर जो सीकेडी के मैं सीकेडी के पेशेंट होते हैं अक्सर उसमें ये कंप्लेंट आती हाँ, है कि एल्बुमिन में एल्बुमिन निकल रहा हाँ, है एल्बुमिन लॉस जो होता है हाँ, जो लॉस होता है उसके अंदर मैंने स्पेसिफिक एक पेशेंट में ऐसे करके नहीं दिया सर किसी भी पेशेंट में नहीं दिया जस्ट जो भी पेशेंट थे वो समझो फैटी लीवर है या फिर सिरोसिस वाले का एक ही पेशेंट चला था मेरे पास फिर बाद में 3 महीने के बाद वो बाउंस हो गया पता नहीं कहाँ चला गया लेकिन उसके तो रिजल्ट थे थोड़े बहुत तो मेरे को तो अच्छे लगे थे फिर बाद में एक्चुअली सर अगर अगर वो लीवर लीवर की प्रॉब्लम है तो हम अजा लीवर अजा की यकृत की बात करते हैं और अगर मूत्र की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वस्ति का हाँ, मूत्र अजा वस्ति का प्रयोग कर सकते हैं ना दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं शास्त्रों में वर्णन आया है। अच्छा मैडम जो आपने बताया चूर्ण भू निम्बादी चूर्ण बताया भू निम्ब का चूर्ण बताया नहीं मैम लार्ज 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 केवल भू निम्ब लार्ज इन हाँ पकवास है ये पकवास है जी जी थैंक यू लार्ज इंटेस्टाइन और हाँ लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली मैंने सीकेडी के पेशेंट में डायरेक्ट लेने को बोला उसको टूब बना के लेने को बोला था जी जी पता नहीं उसका उसका मीन्स बाद में मेरे पास एक्चुअली एक दो पेशेंट आए थे बीच में मैंने ट्राई किया था ठीक है हम लोग जैसे लीवर दे रहे हैं वैसे ये भी दे सकते हैं करके सूप बना के पीने को दिया बस्ती वगैरह मैंने ने जैसे बताया वैसे तो कभी यूज नहीं किया लेकिन उसका रिजल्ट तो पता नहीं सर उसका मैंने फॉलो अप नहीं आया मेरे पास रखने को और पेशेंट कुछ लोग जाके रोज रोज ला के खाने के लिए भी थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं ना उनके लिए सर ये बेस्ट बेस्ट है एक्चुअली ऑप्शन हम लोग भी डायरेक्ट बना के दे दे सकते हैं और मेडिसिन बोल के ले लेंगे वो लोग ठीक है। ये मैंने भी यूट्यूब पे देखा था ये सुना था बछेड़ी बोलते हैं इसको ये इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को उन्होंने बोला कि 2 पीसेस को बॉयल करो सूप के रख लो पर उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय तक इसमें यूज देन यू गेट दैट रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैम ने बोला ना कि तुरंत इंस्टेंट आपको मतलब विद इन अ मंथ आपको यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस अजा कलेजीना बट उसमें ऐसा मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं था बछेड़ी बोलते हैं इसको उन्होंने नाम दिया था कि लोग आगे मतलब इसको कर सकते हैं जो नॉन वेज खाते हैं ना प्रॉब्लम ये भी है जो पेशेंट वेजिटेरियन है वो तो लेंगे ही नहीं नॉन वेज वालों को हम रिकमेंड कर सकते हैं वी कैन एक्सपीरियंस दैट वो वही मैम अभी जो नॉन वेज नहीं लेते वो लोगों को कैसे जाके लाना भी मुश्किल रोज बना के खाओ वो भी मुश्किल उनके लिए क्या है कि ऑप्शन जो होता है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट है मेडिसिन है करके ले लेंगे उनको कन्विंस कर देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग भी मेडिसिन है करके ले रहे हैं सर ऐसे ऐसे नहीं है कि हाँ मेडिसिन है आप ले लो लेकिन उनको बता दिया करती हूँ मैं कि ये है तो है इसके साथ तो लेना ही है आपकी मर्जी तो उनको क्या है जाके जो उनका एफर्ट जो रहता है ना जाके लेके आओ कैसे जाएंगे वो पैसे कैसे लाएंगे कैसे बनाएंगे कहाँ फिट करेंगे उसको कैसे रखेंगे वो सारी चीजें उनकी शॉर्ट आउट हो जाती है ठीक है मैम अभी सेशन ऑफ करें क्या अभी हाँ मैम हाँ बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और 9:35 वहाँ पर अच्छा बहुत अच्छा ये जो ऐड किया पूजा मैम ने थैंक यू सो मच पूजा मैम और अभी जो पहले भी ऐड किया था अभी न्यासा मैम ने वो भी बहुत अच्छा था नई चीज थी वो भी बहुत थैंक यू सो मच
अच्छा लगा मेरे पास एक मैम एक मेरे पास वीडियो है अगर मैं ग्रुप में एक शेयर कर दूंगी मैम कर दीजिए हुआ है मैंने तो सिंपल सा प्रिपरेशन है और उसके बाद में जस्ट सुखा के उसको स्टोर करके रखना है वो एक वीडियो कर दीजिए मैम बहुत यूजफुल है थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू